गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने एनसीबल का लेक्चर नंबर 33 लेके, जिसमें आज हमें देखने हैं कि यार एडहॉक कमांड्स क्या होती हैं और हमारी जो है प्लेबुक क्या होती है और मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या किया वो एक बार रिकैप करना जरूरी है, क्योंकि एनसीबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बुनियादी टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए मैंने पिछली लैब में क्या किया मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं, सो दैट आप कंटिन्यू कर पाए इजीली और आपको कोई मसला ना आए इस लेक्चर को देखने में। तो देखिये, सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने पिछली लैब के अंदर 3 EC2 इंस्टांस क्रिएट किए थे AWS अकाउंट में, जिसमें मैंने एक को नाम दिया था एनसीबल सर्वर और मैंने इसको एनसीबल सर्वर बनाया था। उसके बाद मैंने बाकी दोनों मशीन को जो है, आपको याद होगा क्या बनाया था आप बताएं, जो नहीं बता पा रहे ना मैं दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आज मैं मारूंगा नहीं आपको, आप यार पिछला लेक्चर देखें ठीक है, क्योंकि मैंने यहां नोड 1 बनाई थी। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, नोड 1 और नोड 2 बताई थी, नहीं आपने सही बताया, मैं आपको गलत नहीं कह रहा ठीक है, चलें अच्छी बात है। I want to thank Simply Learn for sponsoring this video and offering all the viewers an exclusive discount on their Data Science Masters program, which has been co-developed with IBM. Delivered via their unique blended learning model, this program combines high engagement online classroom learning with world-class content and faculty. You can gain hands-on exposure to 30+ in-demand skills and tools, including R, SAS, Python, Tableau, Hadoop, and Spark. You also get plenty of practice with 15 real-time projects and a capstone project. By purchasing this 12-month comprehensive course, you get lifetime access to all the pre-recorded content, receive $1,200 worth of IBM Cloud credits, and have access to IBM Watson 24/7. On completing the program, you get industry-recognized IBM certificates and a globally accepted course competition certificate from Simply Learn. I recommend this course to anyone interested in building a career in data science. Click the link in the description to get started. तो ये Ansible server है और आपने दो node create की थी, तो एक Ansible server हमने बनाया था और दो हमने node बनाई थी। तो Ansible server कैसे बना था, ऐसे ही नहीं बना था, तो normal EC2 instance थे। आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक package install किया था, EPEL नाम से हमने एक package install किया था, जिसके through हमने Ansible package यहाँ पे install किया था। Ansible package install होने के बाद यहाँ पे दो file create हुई थी, अगर आपको याद हो, एक थी Ansible.cfg यानी configuration file और एक थी हमारी होस्ट फाइल। तो हमने क्या किया था, क्योंकि हमें अगर ये बताना है कि भाई इस सर्वर के साथ ये मशीनें कनेक्टेड हैं, तो हमें क्या करना था, जो इनकी प्राइवेट आईपी है वो हमें प्राइवेट आईपी जो है वो हमें यहां पे मेंशन करनी थी। अगर आपको याद हो तो मैंने होस्ट फाइल में दोनों नोड की प्राइवेट आईपी मेंशन करी थी, सो दैट अब मेरा ये सर्वर ये समझ पाए कि भैया ये दोनों नोड मेरे से कनेक्टेड है। और मैंने इन दोनों आईपी को एक ग्रुप के अंदर डाला था और ग्रुप का नाम दिया था डेमो, तो मैंने डेमो ग्रुप के अंदर इन दोनों आईपीस को रखा था। तो ऐसा करने से अब मेरे एंसिबल सर्वर को मालूम है कि मुझे काम जो करना है वो किस किस मशीन पे करना है, उसके पास वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फ्यूचर में कोई नई नोड आप ऐड करते हैं तो वो आईपी आप यहां पे ऐड करेंगे जिस भी ग्रुप के अंदर आप करना चाहते हैं। यहां तक करने के बाद हमने क्या किया था, कौन मुझे बताएगा, बिल्कुल सही बात है, हमने एक यूजर क्रिएट किया था एंसिबल के नाम से, हमने एक एंसिबल नाम का यूजर क्रिएट किया था तीनों जगह पे, यहां पर भी क्रिएट किया था, यहां पर भी, सो दैट हम उस एंसिबल यूजर के थ्रू, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम एज अ रूट यूजर कम्युनिकेट करें, हम कभी भी एज अ रूट यूजर कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एंसिबल यूजर क्रिएट किया था तीनों जगह पे, मैंने वो क्रिएट किया था ठीक है। हालांकि यहां इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कई बार हम जब करते हैं तो यूजर टू यूजर ट्रस्ट रिलेशनशिप जो होती है वो यूजर टू यूजर क्रिएट होती है, तो इसीलिए मैंने तीनों जगह सेम नेम से एक यूजर बनाया था। जब आपने यूजर बनाया उसके बाद आपने इसका पासवर्ड भी सेट किया था, पासवर्ड क्या दिया था, मैंने टेक्निकल दिया था अगर आपको याद हो, है ना। तो मैंने एक यूजर क्रिएट किया था और फिर मैंने इसको क्या दिया था, पासवर्ड दिया था। ऐसा करने के बाद अब मैं जो भी काम कर रहा था मैं एंसिबल यूजर के थ्रू कर रहा था। आपको पता होगा कमांड क्या थी यूजर बनाने की, सू स्पेस देके हाइफन और फिर एंसिबल, तो एज अ एंसिबल यूजर ये जो है रूट की जगह वहां पे क्या आ जाता था, इसकी जगह एंसिबल आ जाता था, तो आप एज अ एंसिबल यूजर फिर काम करते थे। आई होप ये सब आपको याद आ रहा होगा, है ना, और अच्छा भी है कि मैं आपको पिछला लेक्चर रिवाइज करा दूं सो दैट आप कनेक्ट हो पाए। तो यहां एज अ एंसिबल यूजर हमने काम किया था। अब मसला ये था कि एंसिबल यूजर जो है अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, नॉर्मल फाइल मैंने क्रिएट की तो हो गई थी पर
जब मैंने HTTPD पैकेज इंस्टॉल करना चाहा तो वो नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो sudo यूजर नहीं था। तो मैंने क्या किया था, मैंने उसको sudo प्रिविलेज प्रोवाइड कराई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने उसको क्या किया था, sudo मैंने कुछ फाइल्स में चेंजेस किए थे और sudo प्रिविलेज प्रोवाइड कराई थी। sudo प्रिविलेज प्रोवाइड कराने के बाद अब ये Ansible यूजर जो है बहुत इजीली कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकता था। लेकिन अब मसला ये था, ये Ansible यूजर तो अब मेरा जो है, जो Ansible यूजर मैंने क्रिएट किया है, वो तो अब पैकेज वैकेज इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन Ansible सर्वर और नोड के दरमियान अभी कोई कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं था, राइट? क्योंकि मुझे यहां पे क्या एस्टैब्लिशमेंट करना था, SSH कनेक्शन मुझे एस्टैब्लिश करना था। ये बात आपको समझ आ रही होगी। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने SSHD जो अंडरस्कोर कॉन्फिग वाली फाइल थी वहां जाके हमने कुछ चेंजेस करे थे सो दैट Ansible सर्वर नोड तक अपने किसी भी फाइल को पुश कर सके, इंस्टॉल कर सके या उसका एक्सेस ले सके। SSH कनेक्शन के थ्रू नोड वन को हम सर्वर से एक्सेस कर सके। इसके लिए हमने SSHD_config फाइल में कुछ चेंजेस करे थे, बुनियादी चेंज करे थे और उसके बाद कनेक्शन इस्टैब्लिश किया था। अब कनेक्शन इस्टैब्लिश हो गया, जैसे ही मैंने नोड वन का एक्सेस लेना चाहा, एक्सेस लेने के लिए कुछ नहीं करना, SSH करना था और मेरा ख्याल है कोई IP थी 3141240 समथिंग कुछ ऐसे करके आईपी थी। तो उस आईपी का जब मैंने एक्सेस लिया तो उसने मुझसे पासवर्ड मांगा था। ठीक है, हमने पासवर्ड दिया, हमने नोड वन का एक्सेस कर लिया। फिर मसला ये था कि अब हर बार मुझे पासवर्ड डालना है, तो हमने क्या किया था, उस पासवर्ड की कंडीशन को हटाया था। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक की जनरेट करी थी, यहां पे एक पब्लिक की एक प्राइवेट की, दो की जनरेट हुई थी और जो पब्लिक की थी वो मैंने कॉपी करी थी दोनों जगह पे, सो दैट आगे से उसको पता रहे कि भैया ये जो है ना, इस बंदे को मैंने रोकना नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, वो सिक्योरिटी गार्ड वाला एग्जांपल आपको दिया था, सिक्योरिटी गार्ड को एक बार आप कह देंगे ये मेरा दोस्त है, हर बार इससे ना पूछा करो किससे मिलने जाना है, तो फिर वो अगली बार से नहीं रोका टोकी करेगा। तो उसके लिए बताना जरूरी है। तो हमने दोनों नोड में पब्लिक की जो है कॉपी कर दी। उसके बाद इजीली अब हम सारे कोड्स को कॉपी कर सकते हैं। फिर जो लास्ट टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो मैंने किया था होस्ट पैटर्न्स का, कि होस्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और किस तरीके से जो है हमारे जो अगर हमने किसी ग्रुप की चार नोड की डिटेल देखनी है तो हम कैसे देखेंगे, कितनी नोड्स कनेक्टेड है उसकी लिस्ट निकाल के देखनी है तो कैसे देखेंगे, ये सारा बुनियादी काम हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। अब आज हमें क्या करना है, अब मैं आपको वो दिखाता हूं। तो अब देखिए आगे अगर आज के लेक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं कि यहां पे मेरे पास एक Ansible सर्वर है और ये मेरी नोड वन नोड टू है, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि हम सारा काम पहले से कर चुके हैं, इनके दरमियान SSH कनेक्शन भी इस्टैब्लिश कर चुके हैं सो दैट ये यहां पे सारे कोड्स को जो है पुश कर सके। अब कोड को पुश करने के हमारे पास बुनियादी तौर पे तीन तरीके हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला तरीका है एडहॉक कमांड्स, एडहॉक कमांड्स। दूसरा तरीका है हमारे पास मॉड्यूल्स और तीसरा तरीका है हमारे पास प्लेबुक्स। तो सबसे पहले हम एडहॉक कमांड की बात करेंगे, पर उससे पहले मैं बुनियादी डिफरेंस तीनों में बता दूं। देखिए एडहॉक कमांड्स कुछ नहीं है, सिंपल लिनक्स कमांड्स हैं, सिंपल लिनक्स कमांड्स। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे एम्प्लॉयज को एडहॉक बेसिस पे रखा जाता है। यानी एडहॉक का अगर मैं आपको बुनियादी एक ट्रांसलेशन करके बताऊं तो एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी, टेम्पररी। तो जैसे एडहॉक एम्प्लॉयज रखे जाते हैं, एडहॉक टीचर या एडहॉक फैकल्टी रखी जाती है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, इसका मतलब है वो टेम्पररी फैकल्टी है जब तक कि असली बंदा जो उस पोजीशन के लिए होना चाहिए वो नहीं मिल जाता, एक अच्छा बंदा नहीं मिल जाता उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो हम एक एडहॉक टेम्पररी बंदा रख लेते हैं सो दैट वो फिलहाल तब हमारा काम करके हमें दे। सिमिलरली हम Ansible सर्वर के लिए भी एडहॉक कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे दिमाग में मॉड्यूल नहीं आ रहा, प्लेबुक नहीं आ रहा, तो हमारे पास कुछ ऐसी कमांड्स हैं जिन लिनक्स कमांड्स को भी हम वहां पे रन कर सकते हैं। अगर हमें नहीं मालूम कि इसके लिए क्या मॉड्यूल होगा या इस काम को करने के लिए प्लेबुक में क्या तरीका है, मुझे नहीं मालूम, तो मैं सिंपल लिनक्स कमांड्स भी चला सकता हूं और अपना उस काम को कर सकता हूं। यानी लिनक्स कमांड को Ansible सपोर्ट करता है बुनियादी तौर पे। तो
कहने का मतलब उन्हें हम क्या कहेंगे, एडहॉक कमांड्स कहेंगे। लेकिन अब आप ये कहेंगे सर अगर सारा काम लिनक्स से हो जाएगा तो फिर हमने प्ले बुक्स की क्या जरूरत है, हम लिनक्स से कर लिया करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है कि लिनक्स के थ्रू हम काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात, आप सारे काम लिनक्स के थ्रू नहीं कर सकते, इन एडहॉक कमांड्स के थ्रू नहीं कर सकते। कुछ ऐसे काम जो बेहद जरूरी हैं या बुनियादी तौर पे कई बार हमें जरूरत पड़ती रहती है, उनके लिए हम एडहॉक कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां नुकसान यह है एडहॉक कमांड्स का करने का कि यहां पे आइडेंपोटेंसी नहीं होती है, देयर इज नो आइडेंपोटेंसी। अब कौन मुझे बताएगा कि आइडेंपोटेंसी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जिन लोगों को याद आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं आया बादाम खाने शुरू करें, कुछ इलाज विलाज कराएं, कुछ च्यवनप्राश वमनप्राश लेना शुरू करें, ठीक है। तो चले अच्छी बात है, वैसे कुछ बातें भूलना भी अच्छा होता है ना, कुछ चीजें याद रह जाती हैं तो बड़ा दर्द देती हैं। चले अच्छी बात है। तो नो आइडेंपोटेंसी, तो नो आइडेंपोटेंसी का मतलब ये है कि सपोज मैंने इसको कहा कि यार आप एक ना फाइल क्रिएट करो, आपने टच करके एक कमांड दे दी फाइल वन। अब आपको पता है टच कमांड क्या है, टच कमांड एक लिनक्स कमांड है, लिनक्स कमांड है। मैंने फाइल वन क्रिएट किया, इसने फाइल वन क्रिएट कर दी। लेकिन अब मैं अगर दोबारा यही कमांड चला के फाइल वन क्रिएट करूंगा, मैं दोबारा से कमांड चलाऊं टच फाइल वन, तो ये ओवरराइट करके दोबारा फाइल वन क्रिएट कर देगा, यानी उस काम को ये बार बार कर रहा है। जबकि अगर वो काम एक बार हो चुका है तो क्या उसको दोबारा किए जाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। पर एडहॉक कमांड्स में इतना दिमाग नहीं होता, वो उनको बार बार एग्जीक्यूट करता है, जो कि एक एनवायरनमेंट में अच्छी चीज नहीं है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में कभी इनके नुकसान पूछ लिए जाएं कि एडहॉक से अगर काम हो सकते हैं तो हम प्लेबुक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर आंसर इज देयर इज नो आइडेंपोटेंसी इन एडहॉक कमांड्स। वो काम को बार बार करेगा, ओवरराइट करेगा अगर सेम काम को दोबारा किया जाए, वो उसको हर बार एग्जीक्यूट करेगा। मैं लैब में सब कुछ दिखाऊंगा, नो नीड टू वरी। अब एडहॉक कमांड्स के बाद बात आती है मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल और प्लेबुक दोनों ही YAML लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, YAML की फॉर्म में। YAML एक की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी बता चुका हूं, येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज करके बोलते हैं। हालांकि ये इसका ऑफिशियली ऐसा कुछ है नहीं है, इसका नाम कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है, बट YAML को जो है हम लोग इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म कहते हैं कि येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। तो ये YAML की फॉर्म में मॉड्यूल और प्लेबुक लिखे जाते हैं, दोनों बुनियादी तौर पे सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है मॉड्यूल का मतलब होता है एक सिंगल कमांड। एक सिंगल वर्क अगर आपको करना है या सिंगल कमांड आपको चलानी है तो उसे हम मॉड्यूल कहते हैं। और अगर आप एक से ज्यादा मॉड्यूल्स लिखते हैं या उनको एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसको प्लेबुक कहा जाता है, ठीक है। सो मोर देन वन मॉड्यूल, मोर देन वन मॉड्यूल क्या कहलाएगा? प्लेबुक कहलाएगा। यानी प्लेबुक क्या है बुनियादी तौर पे? मॉड्यूल्स का कॉम्बिनेशन है मॉड्यूल। यानी अब आप कहेंगे सर मॉड्यूल की जरूरत कब पड़ेगी, प्लेबुक की जरूरत कब पड़ेगी? अगर आपको सिर्फ एक ही काम कराना है, आप कहते हैं यार मेरे को सिर्फ HTTPD इंस्टॉल करना है, तो आप मॉड्यूल से कर दो, उसके लिए प्लेबुक लिखने की क्या जरूरत है? उसके लिए मॉड्यूल में प्री डिफाइंड कमांड होती है, आप मॉड्यूल चलाओ काम आपका हो जाएगा। पर आप कहते हैं नहीं मुझे मॉड्यूल भी ये इंस्टॉल भी करना है, उसके बाद ये स्टार्ट भी करना है, और उसके बाद मुझे एक वेब सर्वर भी क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये सारा काम करना है तो फिर वो मॉड्यूल से नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड्यूल तो एक काम करेगा। तो यानी आप अगर मॉड्यूल की फॉर्म में काम करना चाहते हैं तो पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, फिर ये काम करना पड़ेगा, फिर ये काम, यानी आपको तीन बार तीन अलग अलग मॉड्यूल चलाने पड़ेंगे। पर अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप एक ही YAML स्क्रिप्ट लिखें और उस YAML स्क्रिप्ट के अंदर तीनों के लिए आप वो मॉड्यूल मेंशन कर दें, तो अब वो क्या कहलाएगा? अब वो सारी स्क्रिप्ट जो है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मेरी प्लेबुक। जैसे शेफ के अंदर रेसिपी होती थी, ऐसे यहां पे क्या होता है? यहां पे प्लेबुक होती है। तो प्लेबुक जो है उसके अंदर वो सारी चीजें लिखी होंगी और वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी वन बाय वन। लेकिन वो अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो वो एक जो HTTPD इंस्टॉल करने की जो पूरी कमांड होगी वो अपने आप में एक मॉड्यूल होता है। समझ आ गई बात? यानी ये मॉड्यूल जो है और प्लेबुक में अगर मैं बुनियादी डिफरेंस बताऊं तो आप ऐसा समझें कि जो एक किताब होती है उसके अंदर 200 पन्ने होते हैं या 100 पन्ने होते हैं, तो ये जो मॉड्यूल है इट्स लाइक अ पेज एंड दिस प्लेबुक इज लाइक अ बुक, इसीलिए इसका नाम क्या है? बुक है। तो मॉड्यूल इज लाइक अ पेज, और जब पेज का कॉम्बिनेशन आप कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लेबुक बन जाएगा। बात समझ आ गई?
आई होप इससे इजी आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है। नॉन टेक्निकल बंदा भी ये सारी बातें, जो लोग भी नॉन टेक्निकल हैं, नो नीड टू वरी। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि यार भूपिंदर सर जो कुछ बता रहे हैं बात तो समझ आ रही है, लेकिन हो सकता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बंदों को ज्यादा अच्छी समझ आ रही होगी। यकीन मानिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को भी उतना ही समझ आ रहा होगा जितना आपको आ रहा है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि इसको एक टेक्निकल बंदा कर सकता है, नॉन टेक्निकल बंदा नहीं कर सकता। इस चीज को लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये भूपिंदर राजपूत आपसे कह रहा है, ठीक है। आप यकीन रखें, एतबार रखें, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कोई भी रिश्ता हो उसमें यकीन और एतबार सबसे बड़ी चीज है ना। वो एक शायर ने एक शेर भी कहा था, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। चलिए अच्छी बात है। चले तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि एडहॉक कमांड्स क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, प्लेबुक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एडहॉक कमांड्स को डिस्कस करते हैं और इसको लैब में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब एडहॉक कमांड्स की बात कर लेते हैं। तो एडहॉक कमांड्स क्या होती है, मैंने आपको बताया कि ये वन लाइनर कमांड्स होती हैं। जब कभी आपको कोई काम जल्दी करना है, कोई टास्क आपको फास्ट करना है और आप प्लेबुक नहीं बनाना चाहते, तो आप इन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जनरली इनसे हम छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे सारी मशीन्स को शट डाउन करना है, सारी मशीन्स को स्टार्ट करना है, या कोई एक फाइल हमें क्रिएट करनी है, सभी नोट्स के ऊपर मेरे पास 20 50 या 100 नोट्स हैं और फटाफट से मुझे उन पे कोई फाइल क्रिएट करनी है 100 की 100 नोट्स, तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बाकी और किसी पर्पस से हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, यानी हम इनको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते, छोटे मोटे कामों के लिए जहां हमें फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कोई फाइल क्रिएट करनी है, मशीनें स्टार्ट करनी है, ऑफ करनी है, सिर्फ वहां तक के लिए हम इन एडहॉक कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पे देखिए क्या लिखा है, एडहॉक कमांड्स आर कमांड्स विच कैन बी रन इंडिविजुअली टू परफॉर्म क्विक फंक्शंस। तो ये इंडिविजुअली रन करती हैं क्विक फंक्शन के लिए, एक साथ दो काम नहीं करा सकते आप इनसे, और जब जल्दी आपको कोई काम करना है तब आप इनका इस्तेमाल करते हैं। These ad hoc commands are not, बहुत important है, these ad hoc commands are not used for configuration management and deployment. यानी configuration management के लिए ad hoc commands का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, छोटे मोटे कामों के लिए किया जाता है। Because these commands are of one time usage. इन्हें हम reuse नहीं कर सकते, इन commands को हम सिर्फ एक बार कभी इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब कभी कोई काम हमें start करने का, off करने का, इस तरह का काम करना है। These Ansible ad hoc commands uses the, ये इसका path है, यहाँ पे जो command line tool है हमारा उसके through ये काम करती है। अगर आपने कोई भी काम करना है तो ये यहाँ पे इसका path होता है, यहाँ पे ये commands जो है हमारी basically जो ad hoc commands है वो पड़ी हुई होती है, या आप ऐसा कह लें। The Ansible ad hoc commands uses the /usr/bin/ansible command line tool to automate a single task, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई, यानी एडहॉक कमांड्स का इस्तेमाल हम बेसिकली बुनियादी कामों के लिए करते हैं, जब हमें 10 20 50 नोट्स पे कोई फाइल क्रिएट करनी है, या उन सारी मशीन्स को स्टार्ट करना है, या उन सारी मशीन्स को आज मुझे शटडाउन करना है, तो मैं सिंपल एक लिनक्स कमांड चला के, एडहॉक कमांड चला के ये काम कर सकता हूं। पर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए मैं इनका इस्तेमाल नहीं करता। तो यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं जो मैं आपको लैब में परफॉर्म करके दिखाऊंगा, वो एडहॉक कमांड्स मैंने यहां पर कैसे इस्तेमाल करी हैं वो मैंने यहां पे लिख दिया है, लैब में भी आपको करके दिखाऊंगा। तो मैं स्टार्टिंग के मैंने स्टेप्स यहां पे स्किप कर दिए हैं, यानी कि मशीन कैसे स्टार्ट करनी है और EC2 instances जो हमने AWS account पे बनाए हैं वो सब आप start कर लेंगे, lab में भी मैं करके दिखाऊंगा, तो उन्हें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं direct Ansible server पे आ गया हूँ, sudo su करके उसके बाद sudo hyphen space Ansible करके आप Ansible user में आ जाएं, अपने root user से Ansible user में आ जाएं, और उसके बाद अब आप अपनी ad hoc commands चला के देखें। ad hoc command लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है, आपने अपनी कमांड को Ansible के साथ स्टार्ट करना है और स्पेस देके जो भी आपका ग्रुप है, जिस ग्रुप पे आप उस कमांड को चलाना चाहते हैं उस ग्रुप का नाम आप वहां पे लिख दें। अगर आप ग्रुप पे नहीं चलाकर सब पर चलाना चाहते हैं तो ग्रुप की जगह आप ऑल लिख दें, तो ऑल लिखेंगे तो जितनी भी नोट्स होंगी सर्वर से कनेक्टेड, चाहे वो किसी भी ग्रुप की हो, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी या उस पे वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले यहां पे क्या लिखना है, ग्रुप का नाम या फिर ऑल लिखना है, स्पेस देके आर्ग्यूमेंट देना है, इसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट
आर्गुमेंट का मतलब यह है कि जो कुछ भी मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, वो एक लिनक्स कमांड है, उसे एज अ लिनक्स कमांड आप ट्रीट करके उसे एग्जीक्यूट कर दें। मैं इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी लिख रहा हूं वो आर्गुमेंट है। जैसे शेफ के अंदर क्या होता था, हम अगर कोई प्ले अपनी कोई रेसिपी रन कराना चाहते थे तो हम हाइफन आर लगाते थे, रन कराने के लिए हाइफन आर, तो वो एकदम से रन कर देता था उस हमारी रेसिपी को और हमें करके एग्जीक्यूट करके देता था। ऐसे ही यहां पे हाइफन ए लिखते हैं हम एडहॉक कमांड्स में आर्गुमेंट, कि भैया आगे जो कुछ भी लिखा है उसको एज अ आर्गुमेंट आप माने और उसको एग्जीक्यूट कराएं जो कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। तो मैंने हाइफन ए लगा दिया, हाइफन ए से एलएस कमांड जो है वो लिनक्स कमांड की तरह ट्रीट होगी और एंसिबल पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जो भी लिस्ट ऑफ नोड आपके पास है, जितने भी नोड्स हैं और उनके जो भी प्राइवेट आईपी हैं वो आपको आउटपुट में नजर आएंगे, मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा। फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे इस पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नोड वन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो नोड वन के लिए मैंने आपको पैटर्न में बताया था, होस्ट पैटर्न में, कि जीरो हम इस्तेमाल करेंगे नोड वन के लिए। और मैं कहता हूं कि मुझे नोड वन पे क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, तो ऑफ कोर्स आप आर्गुमेंट तो लिखेंगे ही हाइफन ए, और हाइफन ए लिखने के बाद लिनक्स कमांड क्या होती है फाइल क्रिएट करने के लिए, टच होती है। तो आप वो प्रॉपर लिनक्स कमांड यहां पे लिख दें, टच फाइल ए, फाइल जेड, फाइल वाई, व्हाटएवर, और वो लिखने के बाद एंटर करें, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी कहां पे, नोड वन के ऊपर। तो बड़ी सिंपल है, एडहॉक कमांड कुछ भी नहीं है, आपने हाइफन ए लिख के लिनक्स कमांड लिख देनी है इन्वर्टेड कॉमा में, एडहॉक कमांड रन कर जाएगी, कोई मसला नहीं है। पर छोटे मोटे काम ही आप कर सकते हैं, जैसे एलएस करना, टच करना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, बस इससे ज्यादा काम नहीं आप कर सकते। रीबूट करना है आपको मशीन्स को। एंसिबल डेमो हाइफन ए एलएस हाइफन एएल, इससे क्या होगा, लॉन्ग लिस्ट आ जाएगी मेरी, लॉन्ग लिस्ट और हिडन फाइल्स जो है मेरी वो मुझे नजर आ जाएंगी, जितनी भी हिडन फाइल्स हैं उनकी लिस्ट मुझे नजर आ जाएगी। तो उसके लिए लिनक्स कमांड क्या होती थी, एलएस हाइफन LA या AL जो आप कहते हैं, तो वो आप करेंगे तो आपको हिडन फाइल्स की डिटेल भी नजर आ जाएगी। ये भी एक सिंपल लिनक्स कमांड है। फिर अब मैं कहता हूं यार मेरे को httpd पैकेज इंस्टॉल करना है, तो ये काम भी मैं यहां इस कमांड की हेल्प से कर सकता हूं। ठीक है, कोई पैकेज आपने बुनियादी पैकेज जैसे httpd पैकेज है वो इंस्टॉल करना है, आप कर सकते हैं एडहॉक कमांड की हेल्प से। हालांकि ये हम करते नहीं है क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, तो जनरली हम इन्हें मॉड्यूल या प्लेबुक की हेल्प से करते हैं। फिर भी आप करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, ansible demo hyphen a, a मेरा argument है, और argument में मैं कहता हूं कि जी inverted comma में क्या लिखा है, simple linux command है sudo yum install httpd hyphen y। sudo अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि ansible यूजर को sudo privilege मिली हुई है, अगर आप sudo नहीं लिखेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो sudo लगाकर आप कमांड चलाएं, sudo yum install httpd hyphen y, inverted comma क्लोज कर दें, और उसके बाद जब आप इस कमांड को चलाएंगे तो httpd पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। कहां पे होगा, डेमो ग्रुप के अंदर जितनी भी नोड होंगी उन सब पे हो जाएगा, क्योंकि आपने यहां ग्रुप का नेम डेमो लिखा है, उसके आगे आपने मेंशन नहीं किया किस नोड पे करना है किस पे नहीं करना है, तो बाय डिफॉल्ट इस ग्रुप के अंदर जितनी भी नोड होंगी सबके ऊपर ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहां पे एक और चीज होती है, अगर आप sudo नहीं लिखना चाहते तो आप sudo की जगह बी भी लिख सकते हैं, हाइफन बी, बी का मतलब होता है बिकम, जो लिनक्स के अंदर एज अ sudo के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आप sudo लिखें या पहले हाइफन बी लगा दें, दोनों का मतलब सेम होता है, इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, तो आप हाइफन बी लिखकर भी इस काम को कर सकते हैं। उस केस में अब आपको यहां sudo लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यहां से यहां तक लिखेंगे, यानी आप लिखेंगे ansible demo और यहां हाइफन ए की जगह मैंने हाइफन बी ए कर दिया, यानी बी का मतलब sudo होता है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, और उसके बाद अब यहां दोबारा sudo लिखने की जरूरत नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखें yum install httpd hyphen y, तब भी काम आपका हो जाएगा, पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर यही पैकेज मुझे रिमूव करना है तो क्या होगा, इंस्टॉल की जगह आप क्या लिख देंगे, आप रिमूव लिख देंगे, आपका पैकेज रिमूव हो जाएगा। ये एडहॉक कमांड्स हैं, यही कुछ बुनियादी कमांड्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा कमांड नहीं होती हैं, आपको सिर्फ इतनी याद होनी चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि एंसिबल कमांड्स में और प्लेबुक में क्या बुनियादी डिफरेंस है, ये मालूम होना बेहद जरूरी है। इंटरव्यूअर कभी पूछे तो आपसे पूछ सकता है कि एक कोई कमांड मुझे लिख के दिखा दो, फिर वो पूछेगा हाइफन ए का क्या मतलब है, या यहां पे डेमो के आगे
मैं इस तरह से जीरो लिख दूंगा तो क्या मतलब है, जीरो की जगह मैं माइनस वन लिखता हूं तो क्या मतलब है, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब लास्ट नोड होता है। होस्ट पैटर्न मैंने पिछले लेक्चर की लास्ट बिल्कुल एंड में बताया था, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप के आगे अगर माइनस वन लगाते हैं तो लास्ट नोड है, या अगर मैं रेंज लिखता हूं यहां पे जीरो और इस तरीके से कॉलन लगा के फोर लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, नोड वन से लेके नोड फाइव तक, तो वहां पे मेरा इंस्टॉल कर दो या व्हाटएवर जो भी काम करना है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एडहॉक कमांड के बारे में। अब चलिए चलते हैं अपनी लैब पे और इन्हीं सारी कमांड्स को करके देखते हैं। तो लो जी आ गए हम अपनी AWS लैब के ऊपर, और ये मेरा AWS का मैनेजमेंट कंसोल है, और अभी मैं मुंबई रीजन के अंदर हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने अपना एंसिबल सर्वर और जो दो नोड बनाई थी वो मैंने इसी रीजन में बनाई थी। तो जरा वहीं पे चलते हैं, सर्विस पे क्लिक करते हैं, यहाँ EC2 पे क्लिक करते हैं। तो अभी मेरे जीरो रनिंग है, लेकिन तीन इंस्टांसिस यहाँ पे ये दिखा रहा है, देखें, क्योंकि मैंने स्टॉप किए हुए हैं। और यहाँ देखें ये ऑल स्टेट्स का ना इन्होंने अलग से बना दिया है, तो यहाँ आप क्लिक करें और यहाँ पे ये तीनों स्टॉप दिखा रहा है, तो इन तीनों को पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंस्टांस स्टेट पर क्लिक करिए, यहाँ स्टार्ट इंस्टांसिस पर क्लिक करिए, तो आपको पुराने में ही करना है। अगर गलती से आपसे डिलीट हो गए हैं किसी भी वजह से, या आप इस लैब को कई दिनों बाद कर रहे हैं और आपने वो डिलीट कर दिया था वो सारा काम, तो फिर अभी ये लैब आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। आप पहले पिछली लैब को देखें, उस लैब को पहले पूरा कर लें, उसके बाद आप यहाँ से देखें। एंसिबल का पहला लेक्चर की जो आपके मतलब जो पिछली लैब है उसको करने के बाद ही आप यहाँ कर पाएंगे। तो अगर गलती से आपसे वो डिलीट हो गई है सारी चीज़ें, तो एक बार पहले वाली लैब दोबारा कर लें, वो सारा काम पहले कर लें, उसके बाद ही ये लैब आप ढंग से परफॉर्म कर पाएंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो एक बार ये स्टार्ट हो जाए उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो ये मेरे तीनों मशीनें रेडी हो चुकी हैं, एंसिबल सर्वर भी स्टेटस चेक 2x2 हो चुका है, नोड का भी, यानी तीनों मशीनें रेडी हैं, रनिंग भी हैं, और स्टेटस चेक जब तक 2x2 नहीं होता हम इन्हें चला नहीं सकते। तो ये हो गया है हमारा। तो एंसिबल सर्वर पे क्लिक करते हैं, इसकी पब्लिक आईपी कॉपी करते हैं, आई होप आपको नज़र आ रही होगी, नहीं नज़र आ रही है तो यहाँ से कॉपी कर लें। तो सर्वर कॉपी हो गया, अब क्या करना है बताएं ज़रा। बिल्कुल सही बात है, पुटी में जाना है और आपको कॉपी करना है, तो पुटी में आप ये आईपी एड्रेस कॉपी कर दें, आई थिंक दो बार ओपन हो गया है, तो यहाँ पे आप इसे पेस्ट करें और SSH में जाएं, ऑथ में जाएं, ब्राउज करें, और वो की जो है वो मैंने डिलीट नहीं की है लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी, तो डेस्कटॉप पे वो मेरे है ansible key.ppk के नाम से, पिछले लेक्चर में जहाँ हमने छोड़ा था सब कुछ वैसे ही है। ओपन करिए, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करिए, एक वार्निंग आएगी, इसको यस कर दीजिए, इसके बाद इसे मैक्सिमाइज करिए, यहाँ जाइए चेंज सेटिंग में जाके अपीयरेंस में जाइए और थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लीजिए, सो दैट आपको लैब जो है वो अच्छे से नज़र आ सके। और मैं इसका अपीयरेंस भी जो है मैं मशीन की कर देता हूँ, सो दैट सर्वर अलग से हमें दिखे। तो सर्वर अब हमें वाइट दिख रहा है, लॉगिन में कर देता हूँ EC2-user के नाम से, उसके बाद मैं sudo su भी कर देता हूँ, ओके तो रूट यूज़र मैंने बना लिया है। तो ये मेरा सर्वर है, और इसको मैं एक बार चेंज सेटिंग में जाके मैं इसे कनेक्शन को भी अलाइव कर देता हूँ, 20 डाल देता हूँ, अप्लाई कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसके बाद अब चलते हैं दूसरी मशीन के पास जो कि है नोड वन, इसका पब्लिक आईपी क्या है जनाब, ये हम कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद दोबारा से हमें पुटी पे जाना पड़ेगा, एक और पुटी आप ओपन करें, यहाँ पे भी इसका पब्लिक आईपी पेस्ट करें, अगेन SSH ऑथ में जाएं, ब्राउज करें, वही सारे घिसे पिटे स्टेप हैं, आई होप आप अब तक एक्सपर्ट हो गए होंगे इन छोटी छोटी चीज़ों में। ओपन करें और यहाँ पे यस पे क्लिक करें, इसे भी मैक्सिमाइज करें, और यहाँ चेंज सेटिंग में जाके अपीयरेंस में फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, और इसका कलर हम अलग रखेंगे सो दैट हमें पता चले कि ये नोड वन है। तो कलर में जाके इसके हम फोरग्राउंड यानी कि इसके जो अल्फ़ाबेट हैं उसका कलर हम रेड कर देते हैं, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट कर देते हैं सो दैट हमें, या हम हल्का सा ग्रीन रख लेते हैं सो दैट हमें नज़र आए, अरे ये तो बड़ा ज़्यादा ग्रीन हो गया पर अच्छा लग रहा है, ओके फाइन। तो ये हो गया हमारा, और इसकी हम सेटिंग में जाके इसके भी कनेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और अप्लाई कर देते हैं, ये नोड वन है। और अब नोड टू को भी इसी तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं, तो नोड टू पे चलते हैं, और इसका ये पब्लिक आईपी है, अगेन पुटी ओपन करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए,
SSH में जाइए, auth में जाइए, ब्राउज करिए, डेस्कटॉप पे जाके Ansible की ओपन कर लीजिए, ओपन करिए, एक वार्निंग आएगी, ये आ गई, यस करिए, इसे मैक्सिमाइज करिए और यहाँ चेंज सेटिंग में जाइए, इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अपीयरेंस में जाके चेंज करिए, 16 नंबर कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, ओके कर दीजिए, कलर को यहाँ पर भी हम ले लेते हैं, फोरग्राउंड ले लेते हैं इसका ब्लू ले लेते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम थोड़ा सा लाइट रखते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा डार्क है तो ये हल्का सा कर लेते हैं, अप्लाई। अच्छा हुआ नहीं, एक मिनट, कलर करें, बैकग्राउंड मॉडिफाई, लाइट सा कलर हमने लिया था, ये भी ठीक है, नहीं ये ठीक है, ओके एंड अप्लाई। चलो तो ये भी मेरा हो गया, इसको मैं यहाँ पे चेंज सेटिंग में जाके और कनेक्शन में जाके यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, अप्लाई। और अभी तक कोई कनेक्शन ब्रेक तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, फाइन। तो ये मेरा सर्वर है वाइट कलर का, बाकी जो रंग बिरंगे हैं वो मेरी नोड है, ठीक है। रिमोट साइड अनएक्सपेक्टेडली क्लोज नेटवर्क कनेक्शन, ये इनएक्टिव हो गया, डुप्लीकेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये क्या दिखा रहा है, लॉगिन एज EC2-user, तो इसको लॉगिन करना ज़रूरी है, क्योंकि लॉगिन नहीं करेंगे तो फिर वो मसला है। ऐसे ही ये भी हमने शायद लॉगिन नहीं किया, EC2-user, और यहाँ पर भी sudo su कर लेते हैं। तो मैं, ये मेरी रंग बिरंगी नोड है जो आपको नज़र आ रही हैं, इसमें भी मैं sudo su कर देता हूँ, तो तीनों में रूट यूज़र बन गया हूँ। जो मेरा सर्वर है वो ये सफ़ेद रंग वाला है, ब्लैक एंड वाइट दुनिया जिसकी है, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर है, तो सारा काम हमने सर्वर के थ्रू करना है, कहानी आपको समझ आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडहॉक कमांड चला के, जो अभी हमने बोर्ड पे समझी हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधा आपको लैब परफॉर्म करके दिखाता हूँ, क्योंकि थ्योरी हम कर चुके हैं। तो एडहॉक कमांड में सबसे पहले एक काम करें आप, मैं SU करके रूट यूज़र बन चुका हूँ, तो अब मैं ज़रा Ansible यूज़र बन जाता हूँ, SU-, स्पेस दे के हाइफन लिखें और फिर स्पेस लगा के Ansible आप लिखें, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो मैं Ansible यूज़र बन जाऊंगा, तो मैं Ansible यूज़र बन चुका हूँ। अब मुझे एज अ Ansible यूज़र काम करना है, क्योंकि मैंने बताया हम एज अ रूट यूज़र कभी काम नहीं करते। तो एक बार यहाँ पे हम ls कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे एक फाइल 1 दिख रही है मुझे सर्वर के ऊपर, अगर मैं यहाँ ls करके देखूँ तो यहाँ मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ कोई फाइल नज़र नहीं आ रही है, और यहाँ ls करके देखता हूँ यहाँ क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी कोई फाइल नज़र नहीं आ रही। अच्छा यहाँ तो मैं रूट यूज़र हूँ, ओके फाइन। तो यहाँ भी पहले मेरे को सू स्पेस हाइफन और Ansible, तो पहले मैं Ansible यूज़र बन जाऊँ। अब मैं ls करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या है मेरे पास, फाइल 2, फाइल 3, फाइल z मेरे पास अवेलेबल है, और 240 मेरी IP है। 240 मेरी किसकी थी, नोड 1 की IP थी। अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछली लैब वाली मशीनें ही हैं, तो IP एड्रेस सेम रहेगा, राइट। और यहाँ पर मैं दोबारा से इसको Ansible यूज़र करता हूँ, सू स्पेस हाइफन स्पेस Ansible, और एंटर करता हूँ और अब ls करता हूँ, तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, नोड 2 और सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पर भी दो फाइलें नज़र आ रही हैं, यानी कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं नोड 1 नोड 2 में ऑलरेडी। और ये मेरा सर्वर है, सर्वर में भी एक फाइल अवेलेबल है फाइल 1 के नाम से। अब हमने एक कमांड चला के देखनी है कि भैया अगर सर्वर के थ्रू मैंने 10-20 नोड के ऊपर कोई फाइल जो है वो मैंने उनकी लिस्ट देखनी है, मेरे पास सपोज 20 सर्वर है, उनकी लिस्ट मुझे चेक करनी है जो मैंने आपको बोर्ड पे बताया, तो उसके लिए हम लिनक्स कमांड कैसे चलाएंगे। आपने लिखना है Ansible, उसके बाद ग्रुप का नाम, जिस ग्रुप में आप देखना चाहते हैं तो आप ग्रुप का नाम डाल दें, अगर आप ऑल करेंगे तो सबकी आ जाएगी लिस्ट, तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डेमो इसका नाम होगा -a, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में ls, यानी कि ये लिनक्स कमांड है। मैं इस कमांड को चला के देखता हूँ क्या मुझे नज़र आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भैया, नोड 1 के अंदर आपको दिखा रहा है, सॉरी नोड 2 है ये, 228 वाली मेरे ख्याल है, मैं चेक कर लेता हूँ। नोड 2 का आईपी क्या है भाई, नोड 2 का आईपी 228 है, तो ये मेरी नोड 2 है, ऊपर वाली नोड 2 है, नीचे वाली नोड 1 है। तो नोड 2 में दिखा रहा है कि भैया दो आपकी फाइलें हैं नोड 2 के नाम से, सिक्योरिटी गार्ड के नाम से, और नोड 1 के अंदर 3 फाइलें हैं, फाइल 2, फाइल 3, फाइल z, तो 3 फाइलें इसके अंदर है। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइल डायरेक्टरी व्हाटएवर, जो कुछ भी पड़ा है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप, मैं से कंट्रोल एल कर दूं पहले,
इसके अलावा अगर आप सारी कम देखना चाहते हैं कि भाई जितनी भी मेरे पास, फिलहाल तो मेरे पास दो ही नोड हैं इसलिए मैं नहीं कर सकता, बट अगर आप डेमो की जगह यहाँ पे ऑल कमांड चलाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ग्रुप हैं और उनके अंदर जितने भी सर्वर या नोड हैं उन सब की डिटेल ये आपको दे देगा। तो कमांड में कुछ नहीं करना, आपने ऑल लगाना है डेमो की जगह और हाइफन ए करना है, उसके बाद कमांड तो वही रहने वाली है आपकी और आप उसके लिए क्या करेंगे, ls करेंगे। तो तब भी ये कमांड अगर आप चलाएंगे तो आपको वही आउटपुट यहां नजर आएगा, ठीक है, वही आउटपुट नजर आ रहा है। बट अगर नॉर्मली आपके पास दो ग्रुप होते तो ये दोनों ग्रुप की डिटेल आपको दिखा देता, ठीक है। तो ऑल कमांड आप चला सकते हैं। अब आप कहते हैं भाई मैं सर्वर के थ्रू सारी नोड के ऊपर एक फाइल अपडेट करना चाहता हूं या एक फाइल बनाना चाहता हूं, मेरे पास सपोज 1000 सर्वर हैं, उनके ऊपर हर 1000 टोटल 1000 सर्वर के ऊपर मुझे ये फाइल क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, एडहॉक कमांड के थ्रू एंसिबल, उसके बाद आप लिखें ऑल, उसके बाद आप लिखें हाइफन ए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, आप टच करें और फाइल का नाम दे दें राजपूत फाइल, ये फाइल आप क्रिएट कर दें, इन्वर्टेड कॉमा लगा दें और एंटर कर दें। तो ये देखें ये क्या दिखा रहा है, लिनक्स कमांड है। यहां पे ये दिखा भी रहा है ये कुछ कि आपका इनसफिशियंट यू कैन नॉट वार्निंग दे रहा है ये कुछ हमें कि भाई आप लिनक्स कमांड चला रहे हैं यहां पे, तो इसलिए ये इतना बड़ा मैसेज आया है प्लेटफॉर्म लिनक्स ये बता रहा है। तो ये कह रहा है भाई आप लिनक्स के थ्रू ये सब कर रहे हैं तो ठीक है, ये हमें बोल रहा है, लेकिन यहां पर कुछ चेंजेस इसने किए हैं, ठीक है, ये चेंजेस यहां पे हुए हैं, इसका मतलब भाई जो भी आपने कमांड दी थी वो इंप्लीमेंट तो मैंने कर दी है। तो अब हमें ये चेक कैसे करना है, कंफर्म कैसे करना है, हम नोड में चलते हैं और अब नोड में चेक करते हैं क्या नोड में ये अपडेट हुआ, ls करके देख लेते हैं। अभी देखिए पहले हमें सिर्फ दो फाइलें नजर आ रही थी, अब हमने सभी नोड के ऊपर एक और फाइल अपडेट किया राजपूत फाइल के नाम से जो हमें अब नजर आ रही है। यही चीज मैं अगर अब दूसरे सर्वर पर देखूं यहां पे ls करूं तो यहां भी आपको नजर आएगी राजपूत फाइल। तो अब मेरे पास अगर 1000 सर्वर होते तो 1000 सर्वर पे ये फाइल मेरी अपडेट हो जाती। तो ये यहां पे ना पुश मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया, एंसिबल जो है पुश मैकेनिज्म पे काम करता है, आपको पुश करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो अब मैंने 1000 सर्वर पे ये फाइल अपडेट कर दी, लेकिन यहां क्या है कि आप अगर इसी कमांड को अब दोबारा चला देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अब यहां यही कमांड दोबारा चलाता हूं और एंटर करता हूं तो क्या हुआ, ये देखें ये कमांड दोबारा चल गई, इसने दोबारा चेंज कर दिया। इसने ये नहीं कहा कि ये काम पहले ही हो चुका है, आपको करने की जरूरत नहीं है, यानी देयर इज नो आइडेंटिटी, आप बार बार ये ओवरराइट करता रहेगा क्योंकि लिनक्स कमांड में एडहॉक कमांड में यही होता है, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी यहां पर नहीं है, अगर आप दोबारा करेंगे तो यह दोबारा ओवरराइट कर देगा उस काम को, जबकि इसे जरूरत नहीं है क्योंकि काम पहले ही हो चुका है। तो ये यहां पर थोड़ा सा मसला है जो मैंने आपसे थ्योरी में क्लियर किया है। तो इसके बाद अब अगर हम आगे की चीजें देखें तो एक और कमांड मैं आपको यहां पे चला के दिखा देता हूं, एंसिबल डेमो। अभी मैं सर्वर के अंदर ही हूं, वाइट स्क्रीन सर्वर है तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको मेरी बातों पे ध्यान देना है। एंसिबल डेमो हाइफन ए इन्वर्टेड कॉमा ls और हाइफन al या la जो भी आप करना चाहें, इससे अब मुझे टोटल लिस्ट नजर आ जाएगी विद ऑल डिटेल्स। और डेमो का मतलब मेरे ग्रुप के अंदर, मेरे ग्रुप में जो भी लिस्ट है मेरे फाइल्स की उनकी सारी डिटेल मेरे पास आ जाएंगी, जो हिडन फाइल्स हैं जो कुछ भी है, तो लॉन्ग लिस्ट मेरे पास आ गई देखें आप, और विद हिडन फाइल, ठीक है। तो ये देखें डॉट वाली जो है ना वो हिडन फाइल्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हिडन फाइल्स भी आ गई हैं, कुछ डायरेक्टरीज भी आ गई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आप इनकी लॉन्ग लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद कंट्रोल एल करते हैं। अब फाइलें तो हम क्रिएट कर सकते हैं एंसिबल यूजर के थ्रू, हमने देख लिया। क्या हम यहाँ पे अब एज अ एंसिबल यूजर कोई पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर मैं अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना चाहूँ httpd कमांड के थ्रू तो क्या वो कर सकता हूँ मैं नॉर्मल लिनक्स कमांड के थ्रू, ये चीज़ हम चेक करते हैं। एंसिबल डेमो हाइफन ए उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में जो नॉर्मल लिनक्स कमांड लिखते थे वो क्या होती थी, यम इंस्टॉल httpd-y inverted comma enter। तो ये क्या कह रहा है, ये फेल्ड कह रहा है, कह रहा है जनाब दोनों ही सर्वर पे मैंने ट्राई करके देख लिया बट ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, रीजन आप बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्योंकि आप इस टास्क को नहीं कर सकते, आप रूट टू परफॉर्म यहां पे आ रहा है ना, यू नीड टू बी रूट टू परफॉर्म दिस एक्शन राइट, तो आपको रूट होना पड़ेगा। तो एंसिबल यूजर को मैंने कौन सी प्रिविलेज दी थी पिछले लेक्चर के अंदर, सूडो प्रिविलेज दी थी। तो अगर मैं इसी कमांड के अंदर मैं सूडो ऐड कर दूं ना
तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने सूडो प्रिविलेज इसको दी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा सिलेक्ट करना है मेरे को, ज़्यादा नहीं करना, और यहाँ पेस्ट करते हैं, कंट्रोल एल करते हैं, और यहाँ पे मैं अब चेंजेस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे यम के साथ ना सूडो भी लगा देता हूँ, क्योंकि मैंने सूडो प्रिविलेज अपने एंसिबल यूज़र को दी है, तो मैं वो ट्राई करके देखता हूँ। सूडो स्पेस यम और बाकी सब कुछ सेम है, तो मैं सूडो लगा के अगर इस काम को करूँगा तो ये काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने सूडो प्रिविलेज अपने यूज़र्स को, एंसिबल यूज़र को दी है कि आप किसी भी कमांड के आगे सूडो लगाएंगे तो काम परफेक्टली हो जाएगा। देखें, इसने इंस्टॉल कर दिया है पैकेज को, ठीक है। अब आप अगर यही पैकेज चेक करना चाहें तो आप मशीन पे चेक कर सकते हैं, विच httpd, आप इस कमांड को चलाएं, ये देखें इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे ही अब आप दूसरे सर्वर में जाएं, यहां पे चलाएं विच httpd, तो ये देखें यहां पर भी इंस्टॉल हो चुका है। यानी दोनों जगह मैंने क्या किया, दोनों जगह मैंने इंस्टॉल कर दिया। बात समझ आ रही है? अब इसको ही मैं अगर रिमूव करना चाहूं, अब मैं कहता हूं कि भाई सब जगह से ये वाला पैकेज डिलीट हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल एल कर लें पहले। उसके लिए आपने कमांड चलानी है, पिछली कमांड को मैं पेस्ट कर देता हूं यहां पे, नहीं सॉरी, ये कमांड पेस्ट नहीं हुई यहां पे, मैं एंसिबल डेमो -, इस बार मैं यहां पे आपको सूडो ना चला के BA कमांड चला के दिखा रहा हूं। अगर आप सूडो नहीं लगाना चाहते तो आप BA लिख सकते हैं। B जो है वो -S की जगह यूज किया जाता है, बिकम मतलब आप सूडो यूजर बन जाएंगे। तो आप, मैं आपको ये कमांड भी दिखा देता हूं, यम रिमूव हमें करना है, तो मैं रिमूव कर देता हूं इस पैकेज को सब जगह से। तो मैं कहां से रिमूव कर रहा हूं, डेमो के अंदर जितने भी नोड है सब जगह से रिमूव हो जाएगा। यम रिमूव httpd -y --close, एंटर करिए। तो ये देखिए जी, इसने रिमूव कर दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। आप यहां पे नोड पे जाइए और अब यही दोबारा कमांड आप यहां पे रन करिए, आपको देखिए क्या मिलता है, नहीं है, ठीक है, आउटपुट नहीं आ रहा, नो httpd, समझ आ गई बात। तो सारे सर्वर से ये पैकेज गायब हो जाएगा। अब यही कमांड मैं यहां चलाऊं, अच्छा ये तो ये आ गया, सॉरी मैंने सिलेक्ट किया था ये, तो अब मैं इसे यहां से सिलेक्ट करता हूं और यहां पेस्ट करता हूं, एंटर, नहीं है। तो एक ही कमांड में, एक ही झटके से सारी जगह से ये पैकेज गायब हो गया, और सिंपल लिनक्स एडहॉक कमांड के थ्रू। ये एडहॉक कमांड्स होती हैं छोटी छोटी, जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया, लेकिन यहां पे क्या होता है, आइडिपोटेंसी नहीं होती है। बात समझ आ रही है? आप देखना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप दोबारा यहां जाए, सर्वर पर आ जाए, अब की बार आप दोबारा वही काम करें, एंसिबल, उसके बाद ऑल या डेमो ले लें आप, डेमो क्योंकि हमारा ग्रुप का नाम है, -a, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, टच और राजपूत फाइल। मैं दोबारा ये फाइल आपको एक बार और क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ये दोबारा क्रिएट कर देगा। ये इतना भोला आदमी है, ये दिमाग ही नहीं लगाता कि पहले से है, ये बार बार मेहनत किए जाता है जैसे गधा करता है। तो एंटर करते हैं, देखिए इस गरीब आदमी ने फिर से अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया, यानी ये बार बार चेंज किया जा रहा है, जबकि मैं आपको दिखाऊंगा मॉड्यूल के थ्रू या प्लेबुक के थ्रू ऐसा नहीं होगा। वहां पे ग्रीन कलर से नजर आएगा कि ये चीज ऑलरेडी अपडेटेड है, जबकि यहां पे ये बार बार चेंज दिखाएगा। चेंज का मतलब ही ये है कि ये ओवरराइट कर रहा है, उस काम को दोबारा कर रहा है, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई काम एक बार हो चुका है तो उसको दोबारा क्यों करना? पर ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि आप लिनक्स कमांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर क्यों करते हैं, ये सारी चीजें बोर्ड पर हम समझ चुके हैं, तो मैं अब बार बार इस चीज में नहीं जाऊंगा, बस इतना बताऊंगा आइडेंपोटेंसी इज नॉट देयर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंसिबल मॉड्यूल की, एक बार उसे बोर्ड पे समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको लैब में करके दिखाता हूं। तो अब हम बात कर लेते हैं एंसिबल मॉड्यूल्स की, कि ये क्या होते हैं। तो मैंने इस तरफ अभी जो मेरा एडहॉक कमांड्स थी वो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, क्योंकि मैं आपको अभी कंपेयर करके दिखाऊंगा मॉड्यूल्स में और एडहॉक कमांड्स में क्या बुनियादी डिफरेंस है, तो उनको मैं आपको बोर्ड पे ही कंपेयर करके दिखा दूंगा। बट उससे पहले ये समझते हैं कि एंसिबल मॉड्यूल क्या है। देखिए, एंसिबल मॉड्यूल्स कुछ नहीं है, ये रिसोर्सेज की तरह है, जैसे मेरे शेफ के अंदर होते थे, यानी पहले से प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं, रेडीमेड कमांड्स होती हैं, जो हमारी मशीन समझती है, उन्हें हमने मॉड्यूल के फॉर्म में स्टोर करके, हमारे जब भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो ये मॉड्यूल की कमांड्स ऑटोमेटिक हमारी आ जाती हैं। कहां पे आती हैं? इस लोकेशन पे ये होती हैं या ये समझता है। तो
अब मॉड्यूल्स क्या है? Ansible ships with a number of modules. ये कहते हैं कि Ansible का जो सर्वर है, जब आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स के साथ आता है, ऐसी कमांड्स के साथ जो वन लाइनर है, एक बार में एक काम कर सकती हैं. Ansible ships with a number of modules that can be executed directly on remote host or through playbooks. ये कहते हैं Ansible server के अंदर ऐसी कई सारी commands के साथ वो आता है जिन्हें आप single भी use कर सकते हैं और उन commands को playbook की form में भी, यानी एक से ज्यादा command अगर आप execute कराना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वो playbook बन जाती है, तो उस playbook की form में भी आप कर सकते हैं. क्योंकि देखिए, मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो वो पता होना चाहिए. अब फॉर एग्जाम्पल की क्लास में बच्चा तभी आएगा जब उसको ये पता होगा कि आज मेरा ये लेक्चर फलाना टाइम पे है. अदरवाइज बच्चे को कैसे पता चलेगा और वो क्लास अटेंड करेगा? यानी एक सिस्टम पहले से डिफाइन होगा कि आज हमने इस टाइम इस क्लास को अटेंड करने कॉलेज में आना है, या हमारे परसों से एग्जाम इम्तिहान जो है वो हमारे क्या होने वाले, स्टार्ट होने वाले हैं. तो ये चीज जब तक हमें मालूम नहीं होगी हम कैसे करेंगे. तो ऐसे ही Ansible सर्वर के अंदर पहले से, अब मैं कोई मॉड्यूल चला रहा हूं, कोई कमांड चलाना चाहता हूं, तो मशीन को पता तो होना चाहिए कि इस कमांड का मतलब क्या है. तो मशीन जब उस कमांड को समझती होगी तभी तो आपको आउटपुट लाके देगी. तो वो हम पहले से कॉन्फिगर करके रखते हैं, वो मॉड्यूल्स इसके अंदर आते हैं. तो जैसे ही हम उस मॉड्यूल को रन कराते हैं, मशीन समझ जाती है कि ये बंदा क्या काम करवाना चाहता है. तो उन्हीं को हम मॉड्यूल्स कहते हैं. मॉड्यूल का मतलब क्या होता है? आपने कॉलेज में भी देखा होगा कि हमारी जो जनरली क्या होता है, एक सब्जेक्ट जो होता है वो मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है. याद है आपको कि भाई मॉड्यूल 1 पढ़ना है, फिर मॉड्यूल 2 पढ़ना है, फिर मॉड्यूल 3 पढ़ना है. किस कोई भी किताब आप उठा लें, कोई भी सिलेबस आप उठा लें, वो मॉड्यूल्स की फॉर्म में होता है. यानी एक सिलेबस जो है वो छोटे-छोटे मॉड्यूल्स से बनता है. ऐसी जो हमारी प्लेबुक होती है वो किससे बनती है? मॉड्यूल्स से बनती है. मॉड्यूल अपने आप में एक यूनिट होती है ना. तो ऐसे ही यहां पर भी मॉड्यूल क्या है? एक प्रॉपर कमांड है जो YAML में लिखी जाती है, और उसको अगर हम 4-5 मॉड्यूल्स को इकट्ठा कर दें तो वो प्लेबुक बन जाती है. तो वही बात यहाँ पे लिखी है, योर लाइब्रेरी ऑफ मॉड्यूल्स कैन बी रिसाइड ऑन एनी मशीन. ये कहते हैं वो जो लाइब्रेरी होती है जिसमें मॉड्यूल्स लिखे हुए होते हैं, वो किसी भी मशीन में रह सकता है जहां भी आपने Ansible पैकेज इंस्टॉल किया है. एंड देयर आर नो सर्वर, डेमन और डेटाबेस रिक्वायर्ड. इसके लिए अलग से कोई सर्वर हमें नहीं चाहिए होता इसको मेंटेन करने के लिए, पैकेज में ही बाय डिफॉल्ट ये होता है. तो ये अब सवाल आता है, वेयर Ansible मॉड्यूल्स आर स्टोर्ड. ये कहते हैं कि Ansible का मॉड्यूल जो होता है वो कहां स्टोर होता है? तो जनरली जो हमारी इन्वेंटरी फाइल होती है, जो मैंने आपको बताया था कि होस्ट फाइल हम कहते हैं या इन्वेंटरी फाइल कहते हैं, जहां पे मैंने नोड के प्राइवेट आईपी स्टोर किए थे, यहीं पर ये जो डिफॉल्ट लोकेशन है इन मॉड्यूल्स की वो यही होती है. द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर द इन्वेंटरी फाइल इज दिस. तो यही इसका डिफॉल्ट लोकेशन होता है जहां पे मेरे मॉड्यूल्स स्टोर होते हैं. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा मॉड्यूल का. अब मैं आपको यहां इस चीज को रब करके यहां मॉड्यूल्स की कमांड लिखता हूं और उनको समझाता भी और कंपेयर करता हूं कि एडहॉक कमांड के साथ. मैं अब यहां पे लिख देता हूं, दीज आर माय एडहॉक कमांड्स. तो एडहॉक कमांड्स के साथ क्या कंपैरिजन है, कैसे डिफरेंसेस हैं, वो अब मैं आपको समझाऊंगा इन दोनों को कंपेयर करके कि मॉड्यूल और एडहॉक कमांड्स में कैसे कैसे डिफरेंसेस आपको नजर आएंगे, कमांड में क्या बुनियादी डिफरेंस होता है. अब देखें, मैंने Ansible की कुछ कमांड्स यहां पे लिखी हैं, कुछ वन लाइनर, और अब मैं आपको दिखाता हूं कि मॉड्यूल में, Ansible मॉड्यूल कमांड्स में और एडहॉक कमांड्स में क्या बुनियादी डिफरेंस है. मैं साइड में हट जाता हूं. देखिए आप, जब भी आप मॉड्यूल लिखेंगे तो आपके मॉड्यूल से पहले हाइफन एम लिखा हुआ होगा. अगर हाइफन एम लिखा है यानी आप मॉड्यूल लिख रहे हैं, और उस मॉड्यूल का नाम क्या है वो उसके आगे लिखा होता है. जैसे ये मॉड्यूल यम है, यहां पर भी मॉड्यूल यम है, यहां पर भी मॉड्यूल यम है, लेकिन यहां मॉड्यूल क्या है? यहां मॉड्यूल सर्विस है. मॉड्यूल नेम इज सर्विस. दिस इज माय मॉड्यूल. ये काम मैं करना चाहता हूं, सर्विस से रिलेटेड काम करना चाहता हूं, यम से रिलेटेड काम करना चाहता हूं, यूजर से रिलेटेड काम करना चाहता हूं. तो हाइफन एम के आगे जो कुछ लिखा होगा दैट इज माय मॉड्यूल नेम. लेकिन अगर मैं एडहॉक कमांड की बात करूं तो यहां पर वो चीज नहीं होती. हाइफन एम या हाइफन ए, इस तरह की कोई चीज नहीं होती. हाइफन ए इज फॉर आर्ग्यूमेंट, जो आपको यहां भी नजर आएगा, यहां पर भी नजर आएगा. हाइफन ए एडहॉक कमांड में भी होता है, मॉड्यूल में भी होता है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट होता है कि भैया आगे जो कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है उसको आप एग्जीक्यूट करिए. वहां पर भी यही मतलब होता है, लेकिन वहां पर ये कहता है कि आगे मैंने मॉड्यूल तो लिखा नहीं है, हाइफन एम तो है नहीं, यानी ये मॉड्यूल नहीं है, पर जो कुछ भी लिख रहा हूं मैं इन्वर्टेड कॉमा में उसे आप एग्जीक्यूट करा दो एज अ लिनक्स कमांड. अगर आप एज अ मॉड्यूल एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा हाइफन एम.
अब हाइफन एम लगवाने से मतलब क्या है कि अब आप इन्वर्टेड कॉमा में लिनक्स कमांड नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने हाइफन एम लिखा है, तो आपको प्रॉपर मॉड्यूल का जो एक पैटर्न होता है लिखने का वो लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आप यमएल कमांड जो हमारी होती है, यमएल स्क्रिप्ट जो होती है, वो उस फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। और ये बेहद आसान है, कोई भी टेक्निकल बंदा, नॉन टेक्निकल बंदा इसको सीख सकता है, करना ही कुछ नहीं है। आप देखें यहां पे प्रोग्रामिंग जैसा कुछ नहीं है, आपने इंस्टॉल क्या करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है। तो आपको ये काम करते करते ना, जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे 4-6 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब जैसे आपको क्या इंस्टॉल करना है, पैकेज इंस्टॉल करना है, तो पैकेज आपने पीकेजी लिखा इक्वल टू एचटीटीपीडी, ठीक है, कि भैया मैं एचटीटीपीडी पैकेज इंस्टॉल करना चाहता हूं। अब अगर मैं यहां बात करूं तो देखिए यहां मैं क्या कमांड लिखता था, sudo yum install httpd, है ना, मैं यहां पे इस तरीके से लिखता था कि इंस्टॉल करो httpd, मैं लिनक्स कमांड लिखता था। लेकिन यहां पे मुझे ऐसे नहीं लिखना, यहां पे मुझे पैकेज का नाम लिखना है, पैकेज इक्वल टू httpd, और क्या करना चाहता हूं, इंस्टॉल करना चाहता हूं, तो इंस्टॉल के यहां पे प्रेजेंट लिखा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट क्यों लिखा, इंस्टॉल क्यों नहीं लिखा, लिखने को आप यहां पे इंस्टॉल भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपको लैब में दिखाऊंगा मौका लगा तो, बट स्टैंडर्ड जो है वो यही है। इवन अगर आप यहां पे प्रेजेंट नहीं लिखेंगे, स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट नहीं लिखेंगे और बस इतना कमांड लिख के एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो भी ये हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप पैकेज इक्वल टू एचटीटीपीडी लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे इंस्टॉल ही करना चाहते हैं। हाँ, रिमूव अगर करना है तो आपको स्टेट इक्वल टू एब्सेंट लिखना पड़ेगा, पर प्रेजेंट करने के लिए नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए अब आप, ये वही वाली बात है कि कॉलेज में बच्चा क्यों जाता है, अगर ये सवाल कोई बंदा पूछे तो उसके 2 थप्पड़ पढ़ने चाहिए, क्योंकि बंदा कॉलेज में पढ़ने जाता है। पर हाँ, अगर कोई कॉलेज में आशिकी करने जाता है तो फिर हमें ये बताना पड़ता है कि फलाना बंदा कॉलेज में आशिकी करने जाता है, अदरवाइज बाकी बच्चे क्या करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पढ़ना अगर आपने है, प्रेजेंट बाय डिफॉल्ट है, मैं कोई पैकेज का नाम लिख रहा हूं तो मैं क्या करना चाहता हूं, ऑफ कोर्स मैं उसे इंस्टॉल करना चाहता हूं। पर अगर मैंने उसके अलावा कोई काम कराना है, रिमूव करना है तो, या कुछ और करना है, अपडेट करना है उस सॉफ्टवेयर, उस पैकेज को, तो मुझे यहां मेंशन करना पड़ेगा। यहां पे यूएमएल में मेंशन करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इंस्टॉल करने के लिए लिखा जाता है प्रेजेंट, ठीक है। अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, अनइंस्टॉल, तो उसके लिए लिखा जाता है एब्सेंट। और अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपने पैकेज को तो उसके लिए लिखा जाता है लेटेस्ट। तो बताइए, बड़ी सिंपल जबान है कि नहीं है, कोई भी टेक्निकल बात नहीं है। इंस्टॉल करना है मतलब प्रेजेंट कर दो भैया, प्रेजेंट अगर कोई चीज वहां पे है इसका मतलब वो पैकेज इंस्टॉल है, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा प्रेजेंट। अगर आप उस पैकेज को एब्सेंट कर देते हैं तो मतलब क्या, यही तो है कि वो वहां नहीं होना चाहिए, वो बंदा एब्सेंट होना चाहिए उस जगह पे, यानी मैं क्या करना चाहता हूं, रिमूव करना चाहता हूं। तो यहां पे लिखने का तरीका ये है, इंस्टॉल करना है तो प्रेजेंट लिख दो, अनइंस्टॉल करना है तो रिमूव लिख दो, वो अनइंस्टॉल करना है तो एब्सेंट लिख दो, और अपडेट करना है उस पैकेज को तो आप उसको लेटेस्ट लिख दो। सिंपल जबान में हम यहां पर काम करते हैं, इसीलिए ये इतना पॉपुलर आज की डेट में हो रहा है। अच्छा जी, तो मैं एक बार दोबारा स्टार्टिंग से पूरा मॉड्यूल आपको समझा देता हूं। यहां पर भी एनसीबल लिखा है, एडहॉक में भी एनसीबल लिखा है, यहां पर भी डेमो यानी कि ग्रुप का नाम लिखा है जिस पर आप ये काम करना चाहते हैं, यहां पर भी ग्रुप का नाम लिखा है, यहां पर भी आपने हाइफन बी लगाया है, यहां पर भी जनरली आप हाइफन बी लगाते हैं अगर आपने कोई सुडो प्रिविलेज वाला काम कराना है, यानी यहां तक सब कुछ सेम है। ये चीज यहां पर ऐड आप करेंगे जबकि वहां नहीं करेंगे। अगर आपने ये हाइफन एम लिखकर उसके आगे मॉड्यूल का नाम लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि अब इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ मैं लिख रहा हूं वो मैं यूएमएल में लिख रहा हूं और एज अ यूएमएल स्क्रिप्ट आप उसको रीड करें। बात समझ आ रही है? तो ये बुनियादी फर्क है एडहॉक कमांड में और मेरी मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। अब मैं दूसरी कमांड अगर चलाऊं, अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो क्या होगा, मेरा httpd इंस्टॉल हो जाएगा, किस पर, मेरी नोड 1 पे और नोड 2 पे, क्योंकि डेमो ग्रुप के अंदर मैंने 2 नोड को ऐड किया है, नोड 1 और नोड 2। तो मैं आपको लैब में दिखाऊंगा, जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा httpd अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब अगर मैंने उस पैकेज को अपडेट करना है तो सेम कमांड के अंदर स्टेट में मेरे को लेटेस्ट लिखना पड़ेगा, मेरा वो पैकेज अपडेट हो जाएगा। अगर वो पहले से अपडेटेड है तो आपको आउटपुट में नजर आएगा दिस पैकेज इज ऑलरेडी अपडेटेड। अब अगर मुझे उसको अनइंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, तो यहां पर कमांड होती थी रिमूव,
यम रिमूव httpd-y, ये कमांड वहां पे होती थी अगर मैं पैकेज को रिमूव करना चाहता हूं। लेकिन यहां पे क्या होगी, आपको यहां सिंपल पैकेज इक्वल टू httpd लिखना है, जो आपने यहां लिखा था, स्टेट में प्रेजेंट था, इस बार एब्सेंट कर दो, रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल स्क्रिप्ट है, बहुत ईजी है। जैसे ही आप डे टू डे लाइफ में 10-15 दिन काम करेंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, यकीन मानिए। ठीक है, ये भी हो गया, आपने एब्सेंट प्रेजेंट कर दिया, लेटेस्ट कर दिया। अब आप कहते हैं यार मैं एक नया मॉड्यूल चलाता हूं, सपोज मैंने ये इंस्टॉल कर लिया, दोबारा से मैंने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया httpd, अब मैं इसकी सर्विस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मॉड्यूल का नाम क्या होगा, -m space service, तो मैं सर्विस मॉड्यूल। और ये आपको याद ही रखना, ये नेट पे और Google Ansible की जो ऑफिशियल वेबसाइट है docs.ansible.com, वहां आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, कितने टाइप के मॉड्यूल होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। तो अब मैं कहता हूं आपको सर्विस स्टार्ट करनी है, तो मॉड्यूल नेम इज सर्विस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, Ansible डेमो, यहां पे डेमो मैंने लिखा है, बट दिस इज माय ग्रुप नेम, ऐसा नहीं है हर बार आपने डेमो लिखना है, आपकी इंडस्ट्री में कौन से ग्रुप पे आप काम कर रहे हैं या कौन सी नोड पे आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहां आप लिखेंगे। उसके बाद -b क्यों लगाया है, फॉर सूडो, ताकि हम सूडो प्रिविलेज वाले काम कर सके, तो ये आपको यहां भी लगाना है, क्योंकि पैकेज अदरवाइज इंस्टॉल नहीं हो पाएगा अगर आप -b नहीं लगाएंगे, क्योंकि एंसिबल यूजर काम तभी कर पाएगा जब उसके पास सूडो प्रिविलेज होगी। तो चाहे मैं एडहॉक कमांड चलाऊं, चाहे मैं मॉड्यूल्स का पे काम करूं, मुझे -b लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एंसिबल यूजर तभी उस काम को कर पाएगा जब मैं उसको एज अ सूडो प्रिविलेज दूंगा। ठीक है, तो मैंने -b लगाया, मॉड्यूल का नाम सर्विस किया, क्या काम करना है, httpd को स्टार्ट कर दो, तो स्टार्टेड लिखना है, ed भी लगाना है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे, आपकी सर्विस क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, लैब में करके दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना। अब उसके बाद अगर आप यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका मॉड्यूल क्या होगा, यूजर होगा, बाकी सब कुछ स्टार्टिंग में सेम रहेगा। कैसे लिखना है, -a आर्ग्यूमेंट में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है वो काम कर दो, यानी यूजर बना दो, नेम इक्वल टू राज, बात समझ आ रही है, मैंने नेम इक्वल टू राज किया, राज नाम का यूजर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहां लिखना है, यहां बाय डिफॉल्ट अब आगे आपको ये नहीं लिखने की जरूरत है, स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट, यहां पे आप नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आप राज को रिमूव करना चाहते हैं तो स्टेट इक्वल टू एब्सेंट आपको लिखना पड़ेगा, तब ये राज नाम का या राजपूत नाम का जो यूजर है वो रिमूव हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब अगर आपने कोई फाइल कॉपी करनी है, सपोज मेरे एंसिबल सर्वर यहां पे पड़ा हुआ है और इस एंसिबल सर्वर पे मैं काम कर रहा हूं और इस पर कोई फाइल मैंने क्रिएट की है और उसे मैं कॉपी करना चाहता हूं नोड के ऊपर, मेरी नोड वन के ऊपर, या नोड वन पे कुछ है उसे मैं कॉपी करना चाहता हूं, व्हाटएवर, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, या मेरे पास दो नोड है, उन दोनों पर मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है, सर्वर पे जो काम मैंने किया वो मुझे दोनों जगह कॉपी करना है, तो कैसे करना है, Ansible डेमो, डेमो आपके ग्रुप का नाम है, जो ग्रुप के अंदर दो नोड है आपकी, नोड वन एंड नोड टू, तो उन दोनों पर ये काम हो जाए। क्या करना है, -b सूडो प्रिविलेज के लिए, -m मॉड्यूल का नाम, मॉड्यूल का नाम है कॉपी, मैं कॉपी करना चाहता हूं, कहां से, सोर्स से डेस्टिनेशन, इसीलिए सोर्स क्या है, SRC मतलब सोर्स, जहां से कॉपी करना है, और कहां पे कॉपी करना है, डेस्टिनेशन में, और डेस्टिनेशन क्या है, मेरा ग्रुप की जो फाइल है, मेरे ग्रुप में सपोज 10 नोड है या 20 नोड है, उन हर नोड के अंदर टैम्प नाम की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कॉपी कर दो। बात समझ आ रही है, यानी कॉपी कहां करना है, इन दोनों नोड के अंदर जो टैम्प नाम की डायरेक्टरी है वहां पे आप इसको कॉपी कर दो। किसको कॉपी करना है, इस फाइल 4 को कॉपी कर दो, मेरे सोर्स में से उठा के, यानी मेरे सर्वर में जो फाइल 4 नाम की फाइल है उसको आप दोनों नोड, या यहां पे 10 20 50 हजार नोड भी हैं वहां पे, उनकी टैम्प डायरेक्टरी में जाके कॉपी कर दो। तो अगर आप ये काम करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो वहां पे कॉपी हो जाएगी। तो यहां तक का काम आई होप आपको समझ आ गया होगा, दोनों में कंपैरिजन भी मैंने आपको करके दिखा दिया, इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल सकती आपको। अगर नहीं समझ आया वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें और उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद अब मैं ये सारा काम लैब में करके दिखाता हूं, उसके बाद इससे आगे की बात करते हैं। तो ठीक है जी, आपको Ansible मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट बोर्ड पे समझ आ गया है, तो एक बार इसे कंट्रोल एल कर लेते हैं और अब जरा Ansible मॉड्यूल की भी कमांड चला के देख लेते हैं। Ansible डेमो -b उसके बाद -m मॉड्यूल के लिए लिखना है, मॉड्यूल का नाम क्या है, यम है, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, -a, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में YAML कमांड आपको लिखनी है, जो क्या होती है, पैकेज जो भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, इक्वल टू पैकेज का नाम httpd, उसके बाद स्पेस देके स्टेट,
और स्टेट में क्या लिखना है, अगर आपने उसे इंस्टॉल करना है तो प्रेजेंट लिखना है कि भैया सब जगह हाजिर हो जाओ, तो हाजिर मतलब प्रेजेंट, ठीक है। तो बड़ी मैंने बताया ना YAML बहुत आसान है, प्रेजेंट एब्सेंट इस तरह की टर्म यूज होती है जो हमें पता है, इंस्टॉल विंस्टॉल नॉन टेक्निकल बंदों को नहीं पता होती। तो YAML लैंग्वेज ऐसी है कि प्रेजेंट एब्सेंट तो हर कोई जानता है, तो हमने उन्हीं टर्म्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया है इस YAML के अंदर, इसीलिए मैंने कहा कि Ansible बहुत आसान है। तो एक बार ये कमांड चला के देखें, तो एक बार पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या मेरी नोड में अभी HTTP अवेलेबल है, पहले ये चेक कर लेते हैं, नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया था आपको याद हो तो। Which httpd एंटर करिए, यहां भी नहीं है, लेकिन अब मैं इसे मॉड्यूल के थ्रू इंस्टॉल करूंगा, और मॉड्यूल क्या है, पैकेज इक्वल टू httpd, पैकेज का नाम और स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट। अगर स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट ना लिखें तो भी काम चलेगा, क्योंकि डिफॉल्ट पैकेज के लिए जो डिफॉल्ट कमांड होती है वो प्रेजेंट ही होती है। तो आप एंटर करें, तो ये देखें इसने चेंज कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया है httpd, यहां पे दिखा रहा है। अब मैं जरा नोड पे चलता हूं और यही कमांड दोबारा चला के देखता हूं, और ये देखें जी httpd इंस्टॉल हो गया। ऐसे ही दूसरी नोड पे चलिए, यहां पर भी ये कमांड चला के देखिए, और ये मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूं, आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और उसके बाद माउस का राइट क्लिक करना है, अपने आप पेस्ट हो जाएगा, कई बार बता चुका हूं ये बातें। तो अब ये देखें यहां पे भी इंस्टॉल हो चुका है, httpd नजर आ रहा है मुझे इसके अंदर, USR डायरेक्टरी के अंदर एसबिन डायरेक्टरी है उसके अंदर httpd पैकेज मुझे नजर आ रहा है। तो इसने इंस्टॉल कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। तो हमने YAML के थ्रू या आप कहें कि मॉड्यूल के थ्रू ये काम करके देख लिया। अब मैं आगे दिखाता हूं, अब अगर मैं इसी कमांड को दोबारा चलाऊं, मैं आपको दिखाता हूं, मैं यही कमांड दोबारा सिलेक्ट करता हूं, और अगर मैं अब इसे दोबारा चलाऊंगा तो क्या होगा, अब जरा हम ये देख लेते हैं। एंटर, ये देखें अब की बार ये ग्रीन दिखा रहा है, ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल है भैया, httpd ऑलरेडी इंस्टॉल है। कितनी बार बोलोगे कि काम बार बार करने को, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, ये बंदा गधा नहीं है, ये बंदा घोड़ा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई लग रही होगी, आपको पता ही है कई महीनों से तबीयत खराब है मेरी, 1-1.5 महीने से, और काफ़ी सफ़र किया मैंने, काफ़ी परेशानी रही, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दूँ आपके लिए, क्योंकि जिन लोगों के काम अटके हुए हैं तो वो कर पाएँ, जल्दी से इंटरव्यू दे पाएँ और अच्छी अच्छी नौकरियां हासिल कर पाएँ। ये दुआ है मेरी आप लोगों के लिए, और पढ़ते रहिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और भूपेंद्र राजपूत कुछ भी साथ नहीं लेके जाएगा, नो नीड टू वरी, टेंशन नहीं लेनी आपको। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ यार कि जल्दी से जल्दी डेवऑप्स पूरा कर दूँ और बाकी की नई सीरीज़ स्टार्ट करूँ जो जो आपने रिक्वेस्ट की हुई हैं। तो चलें यार, मोटिवेशन बनाए रखें और नाराज़ ना हुआ करें मेरे से, आप सब बड़े अच्छे लोग हैं और आपसे गुफ्तगू करना बड़ा अच्छा लगता है कई बार जब आपसे होती है, तो चलें बड़ी अच्छी बात है। तो ये देखें आपने, आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर से यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये कह रहा है भैया ऑलरेडी इंस्टॉल है तो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आइडेंपोटेंसी इज देयर, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा है लिनक्स कमांड के कंपैरिजन में, जो एडहॉक कमांड्स होती हैं एडहॉक कमांड के कंपैरिजन में मॉड्यूल और हमारे जो प्लेबुक होते हैं वो बेटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एक काम को बार बार नहीं करता है, राइट। क्योंकि अभी तो हम 1-2 सर्वर पे कर रहे हैं, पर 1000 सर्वर पे यही काम दोबारा करेंगे तो सर्वर हैंग हो जाता है, सर्वर परेशान होता है, बात सही है ना। अब हम एक काम करते हैं, अब मैं आपको इसकी दूसरी कमांड भी चला के दिखा देता हूं कि अगर मैं यहां पे इसकी जो दूसरी कमांड है वो क्या है, लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब अगर मुझे कोई पैकेज अपडेट करना है तो मुझे यहां पे स्टेट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट की जगह लेटेस्ट लिखना पड़ेगा, अपडेट नहीं लिखते हैं यहां पे, अपडेट जैसा कुछ नहीं होता, यहां लेटेस्ट आपको लिखना पड़ता है। एंटर करें, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया ऑलरेडी अप टू डेट है। कितनी बार एक बात समझाऊं आपको, बड़े जाहिल आदमी हो यार, बार बार एक ही बात पूछने आ जाते हो, होता है ना कई बार आप सरकारी दफ्तर में जाते हो और वो बाबू आपसे कहते हैं क्या यार एक ही बात बार बार पूछने आ रहे हो, बोल दिया ना पेपर अभी नहीं होंगे, पेपर 15 दिन बाद होंगे, यह है ना। तो चले ऐसा होता है कई बार, दफ्तरों में भी होता है ना जब आप जाते हैं किसी, अब भैया सरकारी अफसर तो ऐसे ही करते हैं, सरकारी जो दफ्तर होते हैं वहाँ तो वो खुद को खुदा से कम समझते ही नहीं है। चले अच्छी बात है, तो अब ये हो गया आर अप टू डेट, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एल करता हूँ, तो मैंने ये भी करके देख लिया। अब मैं कहता हूँ यार इसी कमांड में ना आप एक काम करो, अब यहाँ पे एब्सेंट कर दो। एब्सेंट का मतलब क्या है कि मैंने इसे रिमूव कर दिया, तो मैं पिछली कमांड को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करता हूँ और नीचे आके राइट क्लिक कर देता हूँ माउस का, और यहाँ पे लेटेस्ट की जगह लिख देता हूँ रिमूव। बात समझ आ रही है, तो ये क्या करेगा भैया रिमूव करने से,
नहीं रिमूव नहीं करना, हमने क्या करना है एबसेंट। देखा आप, मैं अभी आपको एबसेंट प्रेजेंट समझा रहा था और मैं खुद ही भूल गया, और आपने भी बिल्कुल नहीं बोला, सुने जा रहे हैं बस कान में हेडफोन लगा के। चलें बढ़िया बात है, क्या कर सकते हैं, मुझे थोड़ी पता चल रहा है आप पढ़ रहे हो, खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, है ना। तो चलें, पर कोशिश करें कि बड़े कंसंट्रेशन के साथ इसको देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कोई भी आपको ना इतनी आसान भाषा में, इतनी मतलब इजी लैंग्वेज में नहीं बताएगा। तो स्टेट इक्वल टू एबसेंट आप लिखें और एंटर करें, तो अब ये क्या करेगा, पैकेज को रिमूव कर देगा सब जगह से, ग्रुप के अंदर, डेमो ग्रुप के अंदर जितनी भी नोड होंगी ना, उन सब जगह से ये उसको रिमूव कर देगा। ये देखें, रिमूव HTTPD कर दिया। अब मैं चेक कर लेता हूं, मैं इस नोड पे चलता हूं और यहां पे मैं करता हूं विच HTTPD, एंटर करिए, देखें एरर आ रहा है, नहीं हो रहा ना, नहीं दिखा रहा। ऐसे ही आप दूसरे पे जाएं, यहां पे भी कंट्रोल एल कर लें पहले, और यहां लिखें विच HTTPD, यहां से भी रिमूव हो गया, देखें। तो अब यह हर जगह से रिमूव हो चुका है, नो HTTPD आ रहा है। तो आप इस तरीके से एक सिंगल कमांड के थ्रू, मॉड्यूल के थ्रू आप ये काम भी करके देख सकते हैं कि प्रेजेंट कैसे होगा, एब्सेंट कैसे होगा। अब सर्विस जो है हमने अभी इंस्टॉल नहीं की है, तो एक बार हम इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं दोबारा कमांड चला के, उसके बाद मैं सर्विस को अब स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो पहले हम इसे इंस्टॉल करेंगे, अभी तो ये एब्सेंट है तो हम इसे प्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ सेलेक्ट किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर आप लिख दो एब्सेंट की जगह प्रेजेंट, तो ये क्या होगा, सब जगह इंस्टॉल हो जाएगा प्रेजेंट। और स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर, अब ये दोनों जगह इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलें, कंट्रोल एल करें, और यहाँ पे आप लिखें विच HTTPD, एंटर, ये इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे ये दूसरी मशीन में भी इंस्टॉल हो चुका होगा, विच HTTPD, एंटर, दोनों जगह आ गया। अब हमें इसे स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो आपको अभी इसका स्टेटस क्या नजर आएगा, अगर मैं आपको इसका स्टेटस दिखाऊं, sudo service httpd स्टेटस, मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूं, अभी ये सर्विस स्टार्ट है कि स्टॉप है, तो ये क्या कह रहा है, इनएक्टिव है भैया, ये इनएक्टिव है सर्विस आपकी, ठीक है। तो अभी ये मेरी स्टार्ट नहीं है, ऐसे ही मैं यहां पे भी आपको ये दिखा देता हूं, sudo service httpd status, तो ये देखें ये इनएक्टिव आ रहा है। तो अभी ये इनएक्टिव दिखा रहा है कि आपने सर्विस इंस्टॉल तो कर ली पर स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपको एक और मॉड्यूल यहां पे चलाना पड़ेगा, कंट्रोल एल करें सर्वर के अंदर, और ये सारा काम मैं एज अ एंसिबल सर्वर कर रहा हूं, अब मैं एज अ रूट यूजर कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो मुझे एज अ एंसिबल सर्वर ये सारा काम करना है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पे कमांड आप चलाएं, एंसिबल डेमो यानी कि मेरे ग्रुप का नाम, -b यानी कि sudo प्रिविलेज मैं इसको दे रहा हूं, -m मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम क्या है सर्विस, और -a उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, उसमें लिखो नेम इक्वल टू httpd स्पेस स्टेट इक्वल टू स्टार्टेड, टेड लिखना है, ed लगाना है, स्टार्ट नहीं लिखना, स्टार्टेड लिखना है, ठीक है, स्टार्ट कर दो या कर दिया जा चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप एंटर करें, तो ये देखें जी सर्विस स्टार्ट हो गई है, चेक कर लेते हैं। अब मैं इसी कमांड को दोबारा चला के दिखा देता हूं आपको, एंटर, ये देखें एक्टिव हरे रंग से नजर आ रहा है, एक्टिव इक्वल टू रनिंग, ठीक है, बात सही है। तो ये मेरा रनिंग कंडीशन में है, दोनों जगह रन हो चुका होगा, यहां भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां भी आप चेक कर ले, पर sudo लगा के करना है आपको चेक, क्योंकि ये सारी चीजें ना बिना sudo के आप चेक नहीं कर पाएंगे, एरर आ जाता है, ठीक है। तो यहां भी ये एक्टिव हो चुका है, दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये ग्रीन कलर में है, तो ये आपको थोड़ा दिखने में मुश्किल हो रही होगी, ठीक है। तो अब इसे सिलेक्ट करेंगे तो दिख जाएगा, एक्टिव है ये, तो दोनों मशीनें मेरी एक्टिव भी हो गई हैं। तो इस तरीके से एक एक करके आप मॉड्यूल चलाएंगे और आप सारे काम कर सकते हैं। अब अगर मेरे को सभी मशीन पे, या मैं एक ग्रुप के अंदर, मेरे पास जैसे डेमो ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर मेरी दो नोड पड़ी हुई हैं, मैं उन पे अगर कोई यूजर क्रिएट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, कंट्रोल एल करिए और यहां पे अब कमांड चलाइए, एंसिबल, और ग्रुप का नाम है डेमो -b यानी कि sudo प्रिविलेज मैंने दे दी इसको, मॉड्यूल -m मॉड्यूल का नाम क्या है यूजर, क्योंकि मैं एक यूजर क्रिएट करना चाहता हूं, -a,
और YAML कमांड में इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, बस सिंपल यूजर का नाम हमें लिखना है। तो बहुत इजी होता है YAML में काम करना। और यूजर का नाम क्या है, भूपेंद्र राजपूत, ठीक है, ये मेरे यूजर का नाम है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। तो ये कहता है जी आपका यूजर जो है मैंने क्रिएट कर दिया है दो जगह, देखिए इसने एक तो किया है 228 वाली मशीन में और एक किया है 240 वाली मशीन में। अगर इसी तरीके से 1000 मशीन होती तो सब जगह जाके ये यूजर क्रिएट करता और उसका नाम क्या होता, भूपेंद्र राजपूत होता। अब आप जाके चेक कर लीजिए ये बात, कंट्रोल एल करिए, मैं नोड के अंदर आ गया हूँ, नोड टू है ये, 228 वाली आई पी है ना, देखो आपको दिख रही है, तो ये नोड टू है। तो यहाँ पे अब अगर मैं ये चीज़ चेक करना चाहता हूँ तो पाथ क्या है, कैट और स्पेस देख के फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद ETC के अंदर यूजर होते हैं तो ETC फॉरवर्ड स्लैश PASSWD पासवर्ड एंटर, और ये देखें सबसे नीचे आपको नजर आएगा भूपेंद्र राजपूत, ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा यूजर दोनों जगह क्रिएट हो गया होगा, दोनों नोड पे अगर आप जाएंगे ना यहाँ भी आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी दिखा नहीं रहा, यहाँ पे दोनों जगह आ चुका है, कोई मसला नहीं है। कंट्रोल एल करें तो ये काम भी आपने करके देख लिया कि यूजर कैसे क्रिएट होते हैं। अब इसी तरीके से सर्वर में कोई फाइल पड़ी है और उसको मुझे वहां पे पेस्ट करना है सारी नोट्स के ऊपर या एक ग्रुप के अंदर या किसी भी एक सिंगल फाइल के ऊपर, ठीक है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, या यहां पे फाइलें कौन सी है मैं चेक कर लेता हूं। यहां पे फाइल वन मेरे पास है तो इसकी जगह मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं टच, और इसको नाम देता हूं कॉपीड फ्रॉम सर्वर, ये नाम दे देता हूं, ठीक है। एंटर करते हैं, ls करते हैं, तो ये कॉपीड फ्रॉम सर्वर आ गया। तो कमांड क्या होगी, ansible और ग्रुप का नाम डेमो। अगर मैं इसको खाली एक ही नोड पे कॉपी करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, तो कैसे होगी, आप नोड वन पे कॉपी करना चाहते हैं या लास्ट नोड पे कॉपी करना चाहते हैं, तो लास्ट नोड के लिए -1। तो मेरे पास दो ही नोड है तो आखिरी वाली नोड क्या कहलाएगी, लास्ट कहलाएगी, दूसरे नंबर की नोड जो है। और यहां पे ये करने के बाद आप कमांड दें ansible demo हो गया, उसके बाद -b यानी कि sudo, फिर मॉड्यूल के लिए -m और कॉपी मॉड्यूल का नाम है -a करें, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में सोर्स क्या है हमारा, सोर्स हमारी यही मशीन है तो हमें इसको कोई पाथ बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम फाइल का नाम दे देंगे और फाइल का नाम क्या है, कॉपीड फ्रॉम सर्वर। तो गलती ना हो इसलिए मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं स्पेस देके डेस्टिनेशन, मुझे कॉपी कहाँ करना है मेरी ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर जो है, क्योंकि ग्रुप मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है डेमो ग्रुप, तो डेमो ग्रुप के अंदर लास्ट वाली नोड में मुझे कहाँ कॉपी करना है, इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश टैम्प में मुझे कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इस तरीके से मैंने ये कमांड लिख दी है, अब मैं एंटर करता हूँ, कोई एरर आ रहा है, एक मिनट, कुछ मसला हो गया। तो यहां पे ये मेरे को स्पेस नहीं देना है, डेस्टिनेशन के बाद ये इक्वल टू और फॉरवर्ड स्लैश टैम्प करना है, स्पेस नहीं देना है इन चीजों के बीच में ना आपको, ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, जैसे यहां पे सोर्स इक्वल टू कॉपीड सर्वर में भी स्पेस आपको नहीं देना है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगे, कुछ बेसिक हैं, एरर आएंगे तो आप उसको स्पेस को करके देख सकते हैं कहां कहां छोटा मोटा एरर होता है, तो वो कर सकते हैं। तो ये कमांड आपको बिल्कुल सही लिखनी है, आप एंटर करें और ये देखें, ये अभी इसको कह रहा है कि भाई ये काम मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए ये इसको ये बता रहा है क्योंकि जस्ट मैंने अभी ये काम करके देखा, तो ये यहाँ पे इसने चेंज कर दिया था, ठीक है। तो अभी इसीलिए जब मैंने इस कमांड को दोबारा चलाया तो इसने कहा कि भाई ये काम तो हो चुका है और ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं ये चीज़ आपको चेक करके दिखा भी देता हूँ। तो मैंने ये काम नोड टू में किया है यानी कि 228 वाली आईपी में, तो क्योंकि लास्ट आईपी वही थी। कंट्रोल एल करके मैं इसे क्लियर कर लेता हूं और चेक भी कर लेता हूं। तो मैं अब अपनी नोड में जाता हूं और यहां पे ls करता हूं और फॉरवर्ड स्लैश टैम्प फॉरवर्ड स्लैश एंटर करिए और यहां कॉपीड फ्रॉम सर्वर मुझे फाइल नजर आ रही है। अब मैं आपको एक बार दोबारा और टेस्टिंग करके दिखा देता हूं सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैं इस कमांड को ना यहां से कॉपी करता हूं, या मैं पहले एक और फाइल बना लेता हूं, जस्ट अ मिनट, टच, और यहां पे नाम देता हूं टेक्निकल
गुफ्तगु, ये फाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। फाइल क्रिएट हो गई। अब इसके बाद मैं इस कमांड को दोबारा यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और अब की बार मैं यहाँ पे ना माइनस वन नहीं लगा रहा डेमो के साथ। रीज़न ये है कि माइनस वन लगाने से लास्ट वाले में हो रहा है, और मैं कहता हूँ कि आप ग्रुप के अंदर जितनी नोड है ना सब पे ये फाइल क्रिएट कर दो। तो इसके लिए मुझे खाली डेमो लिखना है, मुझे रेंज दिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सोर्स क्या है, सोर्स अब की बार कॉपीड फ्रॉम सर्वर नहीं है, क्योंकि मैं इस फाइल को कॉपी नहीं करना चाहता। मैं कॉपी किसे करना चाहता हूँ, टेक्निकल गुफ्तगू नाम की फाइल को। तो इस नाम को आप यहाँ से हटा लें और यहाँ पे इसको नाम दे दें आप टेक्निकल गुफ्तगू, यही मेरे फाइल का नाम है ना, ये वाला आपको नज़र आ रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे दे दिया स्पेस दे के DEST इक्वल टू फॉरवर्ड स्लैश टेम्प। यहाँ आपको स्पेस नहीं देना है इन चीज़ों के बीच में, सिर्फ टेक्निकल गुफ्तगू के बाद एक स्पेस देना है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। तो ये देखिए इसने ये चेंज भी कर दिए और दोनों मशीन में कर दिए। ये 240 नंबर की यानी नोड वन में चेंज किया है और इससे पहले 228 नंबर, तो क्योंकि दो ही नोड है तो दोनों में इसने ये फाइल कॉपी कर दी है। चेक करना चाहें चेक कर लीजिए, आप एलएस करिए यहाँ आपको नजर आएगा, सॉरी एलएस करिए और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश कहाँ कॉपी किया है, टैम्प में कॉपी किया है, एंटर करिए, टेक्निकल गुफ्तगु आपको नज़र आ रही है फाइल, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरी नोड में जाएंगे और यहाँ आप करेंगे एलएस फॉरवर्ड स्लैश टैम्प फॉरवर्ड स्लैश, तो यहाँ भी आपको टेक्निकल गुफ्तगु नज़र आ रहा है। तो ये फाइल कॉपी हो गई है, बात आपको समझ आ रही है, ये फाइल कॉपी हो गई। लेकिन यहाँ पे देखो वो वाली फाइल नज़र नहीं आ रही कॉपीड फ्रॉम सर्वर, क्यों, क्योंकि वो मैंने माइनस वन लगाया था डेमो के साथ, यानी सिर्फ लास्ट सर्वर जो था उसमें नोड जो थी उसमें कॉपी हुआ है, ये नोड वन है तो इसमें कॉपी नहीं हुई वो फाइल, इसमें खाली टेक्निकल गुफ्तगू है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया। अब जरा हम अपना एक लास्ट हमारा जो एक टॉपिक रह गया मॉड्यूल्स के अंदर वो है सेटअप। तो सेटअप की भी बात कर लेते हैं कि आखिर सेटअप क्या होता है या सेटअप मॉड्यूल क्या होता है। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको जरा ध्यान से समझे कि मेरे पास ये मेरा एंसिबल सर्वर है और ये एंसिबल सर्वर मेरा दो नोड के साथ कनेक्ट है, माय नोड वन एंड नोड टू। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इन नोड पे कोई पैकेज इंस्टॉल किया, मैंने यहां पे HTTPD इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, मैंने यहां पे HTTPD या पहले से इंस्टॉल है फॉर एग्जाम्पल। अब एंसिबल सर्वर से मैं दोबारा से मॉड्यूल चलाता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल्स में और प्लेबुक में आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है, आइडेंटिटी इज प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा, मॉड्यूल में और प्लेबुक के अंदर आइडेंटिटी प्रेजेंट होती है, यानी एक काम जो हो चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि एंसिबल सर्वर को ये कैसे पता चलता है कि भैया फलाना फाइल वहां पहले से पड़ी है, इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मैंने सपोज एंसिबल पे दोबारा से कमांड चलाई, यम इंस्टॉल HTTPD-Y, एक एडहॉक कमांड चला दी, सॉरी एडहॉक कमांड नहीं चलानी, एडहॉक में तो वो कर देगा, उसको दोबारा से कर देगा, ओवरराइट कर देगा। मॉड्यूल मैंने चलाया पैकेज इक्वल टू HTTPD और स्टेट इक्वल टू प्रेजेंट, वो मॉड्यूल मैंने दोबारा चलाया कि भैया आप क्या करो HTTPD इंस्टॉल कर दो। तो आखिर उसे मॉड्यूल कमांड से कैसे पता चलता है कि ये पैकेज पहले से पड़ा है और वो आपको रिटर्न में लाके देता है कि इसको पैकेज को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो उसके लिए हमारे पास एक पैकेज होता है दैट इज सेटअप, एक मॉड्यूल होता है दैट इज सेटअप, और ये ऑटोमेटिक होता है, यानी वो सेटअप जो कमांड है या आप इसे काम कह लें, ये अपने आप, जैसे शेफ के अंदर ओहाई होता था, ओहाई आपको याद होगा शेफ की नोट्स में ओहाई होता था, ओहाई, और ओहाई क्या करता था, ओहाई के अंदर हमारे सारी स्टेट जो भी प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें रहती थी, इट इज अ काइंड ऑफ डेटाबेस कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कौन कौन से पैकेज मेरी मशीन में इंस्टॉल है, वो सब चीजें ये मेंटेन करता था। ऐसे ही इन केस ऑफ एंसिबल हमारे पास सेटअप नाम का मॉड्यूल होता है, जिसका काम होता है कि जब भी कोई मॉड्यूल रन किया जाएगा या कोई प्लेबुक रन की जाएगी तो सेटअप जो है वो पहले नोट्स के पास जाएगा और पता करके आएगा वेदर दिस थिंग इज प्रेजेंट और नॉट, और आके मुझे रिटर्न में बताएगा, उसके बाद वो उस चीज को एग्जीक्यूट करेगा। यानी जब भी मैं कोई प्लेबुक रन करूंगा या मॉड्यूल रन करूंगा तो पहले सेटअप कमांड अपने आप चल जाती है, वो यहां से इंफॉर्मेशन लेकर आता है, सभी नोट्स पर से इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन गैदर करता है और मेरे को रिटर्न में ला के देता है और बताता है वेदर पैकेज इज प्रेजेंट और नॉट। अगर पैकेज यहां प्रेजेंट है तो ये बताएगा, यहां प्रेजेंट नहीं है तो ये भी बताएगा कि पैकेज प्रेजेंट इन नोड वन बट एबसेंट इन नोड टू। उसके बाद वो वहां पर उसे इंस्टॉल करेगा, यानी अपने आप करेगा सारा काम, पर पहले वो पता कर लेगा कि क्या ये पैकेज यहां है या नहीं है। अगर वो पैकेज वहां पहले से है तो आपको रिटर्न में बता देगा कि पैकेज इज ऑलरेडी इंस्टॉल, तो उस काम को वो दोबारा नहीं करेगा। दैट इज आइडेंपोटेंसी जो हो पाती है पॉसिबल, वो इस सेटअप मॉड्यूल की वजह से हो पाती है। ये सेटअप मॉड्यूल जो है ये रन करता है जब भी हम कोई मॉड्यूल या कोई प्लेबुक एग्जीक्यूट कराते हैं, तब ये सेटअप कमांड पहले रन होती है, चेक करके आती है, सारी इंफॉर्मेशन वहां से लेके आता है और बताता है कि उसकी करंट सिचुएशन ये है, करंट कॉन्फ़िगरेशन उस मशीन की ये है। समझ में आ गई आपको बात? तो सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटअप इज जस्ट लाइक ओहाई इन शेफ, ठीक है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं दो कमांड आपको अभी लैब में रन करके दिखाता हूं। एंसिबल डेमो, डेमो मेरे ग्रुप का नाम है, और मॉड्यूल का नाम क्या है? सेटअप। आप सिंपल सेटअप कमांड चलाएं, हाइफन एम सेटअप, तो क्या होगा, जो भी आपकी नोड है, नोड वन और नोड टू, उनकी जो भी करंट कॉन्फ़िगरेशन है, उनका आईपी एड्रेस, उनकी लोकेशन, उनकी फाइल्स फोल्डर, सब कुछ ये मुझे लाकर आउटपुट में दिखा देगा। दिस इज द करंट सिचुएशन। और यही कमांड बैकएंड में चलती रहती है, जब भी आप कोई प्लेबुक एग्जीक्यूट कराते हैं या कोई मॉड्यूल एग्जीक्यूट कराते हैं, तो पहले सेटअप चेक करता है वहां जाके कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो वहां एग्जीक्यूट करता है आपकी प्लेबुक को, और इसी वजह से आइडेंटिपोटेंसी पॉसिबल हो पाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इंटरव्यू का, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेगा सभी लोग। अब मैं अगर सेटअप के साथ कोई फिल्टर लगाना चाहता हूं तो वो भी हम लगा सकते हैं। एंसिबल डेमो, डेमो मेरे ग्रुप का नाम है, हाइफन एम, और सेटअप आपका मॉड्यूल है, और फिल्टर अगर आप लगाना चाहें तो वही आपको आर्ग्यूमेंट में इन्वर्टेड कॉमा में जो भी फिल्टर आप लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप आईपी चेक करना चाहते हैं अपनी नोड वन की और नोड टू की, तो आईपी एड्रेस की डिटेल ये आपको दे देगा नोड वन और नोड टू की। इस तरीके से सेटअप आपका काम करता है। आई होप सेटअप का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ और इसको भी करके देख लेते हैं क्या होगा। अब मैंने एक और चीज आपको बताई थी सेटअप, तो सेटअप कमांड भी चला के देख लेते हैं। एंसिबल डेमो हाइफन एम सेटअप, और मैं अगर इसे एंटर करूं, सॉरी ये मुझे सर्वर पे चलानी है, मैं अभी नोड में हूं, तो कंट्रोल एल कर लेते हैं। एंसिबल हाइफन एम, एंसिबल डेमो हाइफन एम सेटअप, और एंटर करते हैं। तो ये नोड की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन ये लेके आ गया मेरे पास, और सारी इंफॉर्मेशन इसने मुझे उस नोड से रिलेटेड लाके दे दी और डिस्प्ले कर दी मेरे सर्वर के ऊपर। तो इस तरीके से आप सेटअप करके देख सकते हैं। अब मैं कहता हूँ आप सिर्फ मुझे आईपी एड्रेस लाके दो, आप मुझे पूरी डिटेल ना दो कि आप मुझे सिर्फ आईपी एड्रेस बताओ, तो इसके लिए मैं क्या कमांड दूंगा, एंसिबल डेमो हाइफन एम, और सेटअप के साथ मुझे डिफाइन करना पड़ेगा हाइफन ए देकर फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो फिल्टर कैसे लगता है, फिल्टर के लिए आप पहले इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये काम हमें करना है, फिल्टर लगा दें, और फिल्टर में आप लिख दें जी इक्वल टू, और यहाँ पे स्टार देके फिल्टर आपको देना पड़ेगा। IPv4 मुझे चाहिए, तो उसके लिए आप स्टार के बीच में, दो सितारों के बीच में, थोड़ी इज्जत के साथ इसको आप फिल्टर कर दें, ये कमांड है, एंटर करें। तो ये देखें, ये आपको आईपी एड्रेस ला के दे दिया इसने, समझ आ रही है बात? तो इसने आपको आईपी एड्रेस से रिलेटेड कि भैया ये आपका आईपी एड्रेस है नोड टू का, ठीक है, 228, और इसका गेटवे, मैक एड्रेस, सारी डिटेल इसने मुझे लाके दे दी। एड्रेस से रिलेटेड जो डिटेल्स है, मैक एड्रेस, नेटवर्क क्या है उसका, सबनेट मास्क क्या है, एवरीथिंग, वो चीज़ इसने मुझे लाके दे दी रिलेटेड टू आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको समझ आ गया, आईपी एड्रेस क्या है कैसे, तो स्पेसिफिक आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो अभी आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फिल्टर कहाँ लगाना है, कब लगाना है, कैसे लिखते हैं? यार सब कुछ इंडस्ट्री में ना, आपके पास स्क्रिप्ट्स होती हैं, आपके पास फाइल्स होती हैं, आपके पहले सीनियर्स की हुई, आपके टीम लीडर की हुई, वो आपके साथ शेयर करेगा, वो बताएगा कि ये बेसिक कमांड्स हैं, ज़रूर इसे अपने टेबल पे चिपका के रख लें, फ्यूचर में आप इनको बीच बीच में ज़रूरत में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना याद बहुत ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ सिलेक्शन तक के लिए याद रखना है, और वो भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताता हूं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इसने मेरे को नोट की आईपी एड्रेस बता दी। आई होप यहां तक सारा काम समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद
हम अब देखेंगे कि प्लेबुक कैसे बनती है, क्योंकि अभी तक हमने एडहॉक कमांड इस लेक्चर में पढ़ी है और हमने देखा है कि हमारा जो एक सिंगल मॉड्यूल, एक सिंगल कमांड होती है वो कैसे चलती है, ठीक है। तो YAML कमांड, सिंगल YAML कमांड। तो अब एक काम करते हैं, इन मशीन्स को दोबारा से स्टॉप कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट टाइम इन्हें इस्तेमाल कर सकें, और फिलहाल इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इन्हें स्टॉप कर देते हैं। तो आपने टर्मिनेट नहीं करना, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम इन्हीं मशीन्स पे आगे काम कर सकें, ठीक है। तो डिलीट नहीं करना है आपने बिल्कुल भी, मैं स्टॉप कर रहा हूँ जी, स्टॉप कर दें बिल्कुल आप। और चलिए चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर और बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। चलिए, तो आई होप आज की लैब आपको क्लियरली समझ आ गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और चलिए अब बात को एज यूजुअल किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। एक शेर मुझे ये याद आता है कि कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोंच, खरोंच मतलब जो चोट लगती है, कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोंच, और कभी कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। और बात को यहां से खत्म करूंगा कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। चलिए, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।